ओके सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर यस मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर ये हमारे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर तो सबसे पहला टॉपिक है उसका इलेक्ट्रिक करंट इन एटम्स देखो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे आती है करंट कैसे आती है अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जब तक वो रखा हुआ है तब तक करंट जनरेट नहीं होती लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट आता है मोशन आती है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करता है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोशन में होता है मूव करता रहता है तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन में मोशन है तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू करंट उसमें हमारे पास करंट फ्लो हो रही है और इसे ही हम एटोमिक करंट कहते हैं ओके okay? तो हमारे पास यहाँ पर आ, ये सब जो सामने लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास सीधा यहाँ पे आ जाओ आप कि मान लीजिए कोई एटम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ आर रेडियस के सर्कल में वेल आ, स्पीड जो है उसकी कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट स्पीड वी से मूव कर रहा है चारों तरफ है ना तो यहाँ पर भी देख लीजिए

सबसे पहले थोड़ा सा ये कर लेते हैं मैं जब तक इंग्लिश मीडियम में मिल रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम में ही कवर करेंगे हिंदी मीडियम वालों को मैं दिखा दूंगी नोट्स प्रिपेयर करने के लिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ने जहां से शुरू किया वहीं से वापस आने में उसको टाइम ता, ता, कितना लगता है टी लगता है तो चार्ज कितना है माइनस ई और कितना टाइम लगाया उसने एक पूरे सर्कल के अंदर टी टी क्या है हमारे पास पीरियड है टाइम पीरियड है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टाइम का हमें पता है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और किस स्पीड से की है डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है वो टाइम होता है अब यहाँ से मूव करके वापस यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय कर दी उसने टू पाई आर के बराबर तो डिस्टेंस कितनी हो गई टू पाई आर हो गई और स्पीड कितनी है वी है ये टी का फॉर्मूला उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें करंट का फॉर्मूला मिल जाता है ये नेगेटिव साइन बस इतना बताता है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो करंट इधर मानी जाएगी तो नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को बताता है ठीक है अब हमें यह करना है दिस सर्कुलर करंट बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल जो करंट होती है वो चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है और ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है चुंबकीय आघूर्ण होता, होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया यहाँ पर हम एम की जगह म्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है म्यू एल लिख लेते हैं आई विल टेल यू एल का मतलब क्या है इसका फॉर्मूला आ जाएगा करंट इन टू एरिया तो ये देखिए करेंट इन टू एरिया आ गया आई का फॉर्मूला हमने अभी भी निकाला है और एरिया सर्कल के अंदर आर रेडियस है तो इसका एरिया कितना होगा पाईआर स्क्वायर होगा तो पाईआर स्क्वायर आपके पास यहां आ जाता है तो फॉर्मूला बनता है माइनस का ईवीआर बाई टू और हम जानते हैं सर्कल के लिए वीज इक्वल टू कितना होता है ओमेगा तो इस वी की जगह अगर अपन ओमेगा पुट करें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ये ठीक है ये हमें दे रखा है पाई स्क्वायर एरिया हो जाएगा नाउ फ्रॉम राइट हैंड हम रूल हम देखो अगर डायरेक्शन निकालते हैं तो ये डायरेक्शन थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ आपको कि की डायरेक्शन क्या आएगी हमारे पास सर्कल देखना सर्कल ऐसा है किसी टाइम पे पार्टिकल की स्पीड इस डायरेक्शन में पार्टिकल यहाँ पे है हमारा ठीक है और अगर इस डायरेक्शन में है और आर लेना है इसको हम सेंटर मान रहे हैं किसको ओ पॉइंट को हम सेंटर मान रहे हैं पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है तो पार्टिकल का सेंटर के रेस्पेक्ट में पोजिशन वैक्टर क्या होगा पोजिशन वैक्टर निकालने के लिए आपने देखा होगा कि अगर ओरिजिन यहाँ है पार्टिकल यहाँ पे है तो आप सीधा इसको मिला देते हो और इसी डायरेक्शन में क्या आता है उसका पोजिशन वैक्टर की डायरेक्शन आ जाती है ये आर होता है मान लीजिए तो आर की दिशा उधर ही चल जाती है अब हमारा ओ यहाँ है तो हमें इस दिशा में लेना पड़ेगा इसका मतलब ये हमारे पास आर की दिशा होगी अब आप जल्दी से अपने दाएं हाथ की उंगलियों से आर को वी की दिशा में मोड़िए आर को वी की दिशा में मोड़िए इधर मोड़िए तो आर को वी की दिशा में दाएं हाथ की उंगलियों से मोड़िए तो थंब आपका किधर आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है थंब आपका किधर आ रहा है यानी कि आर क्रॉस वी की जो डायरेक्शन है वो किधर आएगी ऊपर की तरफ आएगी अब देखो अगर एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है आर क्रॉस पी पढ़ा है आपने तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्रॉस पी कितना होता है एम बी मास तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा आर क्रॉस वी यानी कि अगर एल की दिशा निकालनी है तो एल की दिशा वही होगी जो आर क्रॉस वी की होगी और आर क्रॉस वी क्योंकि आपको ऊपर जा रहा है तो एल की दिशा भी ऊपर जाएगी इसलिए हमने यहाँ पर जो डायग्राम था इससे जस्ट ऊपर उसमें एल की जो दिशा है वो ऊपर बना रखी है ये देखिए एल की दिशा ऊपर आ गई म्यूएल की दिशा कौन सी होगी अब आप ध्यान से ध्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए म्यूएल की दिशा निकालने के लिए अपन कैसे करेंगे आपके पास कितना आया था म्यूअल की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का ई आर अपॉन टू आया था आपके पास करेक्ट अब यहां पर देखिए एक बार जस्ट अ मिनट है ना एल कितना था हाँ एल का फॉर्मूला था आर क्रॉस पी अभी भी बताया एम आर क्रॉस वी आ गया इस एम आर वी को हम देख सकते हैं एम वी आर इन टू एन अब यहां पर देखिए क्योंकि एल की दिशा हो रही है मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको आप क्या लिख सकते हो म्यू एल का फॉर्मूला आपके पास कितना आया था माइनस का ई वी आर अपॉन टू ये आया था इसमें ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी एम से कर दो तो ये एम इंटू वी इंटू आर क्या बनता है अभी अभी आपने देखा एम वी आर क्या बन रहा है एल बन रहा है ना तो इसको आप क्या लिख सकते हो माइनस का ई अपॉन टू एम इंटू एल तो जो एल की दिशा होगी उसके आगे नेगेटिव लगा दो तो अगर एल ऊपर जा रहा है तो म्यूएल कितनी आएगा बिल्कुल नीचे की दिशा में आएगा इसलिए डायग्राम में आपको म्यूएल जो है वो नीचे के देखने को मिल रहा है और एल आपका ऊपर की दिशा में है आई होप दैट इज क्लियर टू यू म्यूएल तक आपको कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन नंबर फोर तक हो चुका है है ना अब हमारे पास क्या करना है हिंदी मीडियम में नोट्स प्रिपेयर करने के पर्पज से मैं दिखा देती हूँ ये डायग्राम अभी अभी हमने देखा ठीक है और ये आप थ्योरी अब आपको समझ में आई जाएगी और धारा जो है उसका फॉर्मूला आ चुका है पी आपका आ चुका है आई आपका आ चुका है और डायरेक्शन भी आपके पास आ चुकी है अब ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो हमने अभी भी निकाला है ए आपको पता है डायरेक्शन निकालेंगे तो ये देखिए इक्वेशन नंबर थ्री जो है उससे एल की डायरेक्शन आएगी ऊपर और फिर न्यू एल जो है हमारा उसकी डायरेक्शन आएगी नीचे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल जायरो मैग्नेटिक रेशियो एंड बोर मैग्नेटोन निष्पत्ति जायरो और बोर मैग्नेटोन जायरो मैग्नेटिक आपका क्या होता है ध्यान रखिएगा जो द रेशो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब म्यूएल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन ऑर्बिटल का मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ घूमना उसे ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, कक्षीय गति बोलते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो इसकी मोशन ऑर्बिटल हो गई अगर ऑर्बिटल मोशन है तो उस कंडीशन में दो क्वांटिटी का हमें रेशियो लेना है एक कौन सा लेना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि म्यूअल हो गया और दूसरा टू इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि आपका है एल इन दोनों का जो रेशो होता है उसे कहा जाता है ऑर्बिटल तो e तो कितना आ रहा है माइनस का ई बाय टू एम माइनस का ई द ऑर्बिटल जायरो मैग्नेटिक रेशियो जो की यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में देख लीजिए कक्षीय गति के कारण उसका चुंबकीय जो कि होता है म्यूअल तथा कक्षीय कोणीय संवेग जो कि होता है एल उसके अनुपात को हम कहते हैं कक्षीय मैग्नेटिक निष्पत्ति तो फॉर्मूले से हमारे पास कितना आ जाएगा जीएल इज इक्वल टू म्यूअल एल माइनस ई बाई टू एफ ओके बाकी ये चीजें आपको फिलहाल नहीं देखनी है नेक्स्ट आप आ जाइए अब हमारे पास बोर मैग्नेटोन की बात करते हैं अभी अभी हमने देखा कि एल जो होता है वो एम वी आर की इक्वल होता है और आपने बोर मॉडल देखा है हाइड्रोजन का इलेवन ट्वेल्थ के अंदर पढ़ा होगा बोर मॉडल ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो उसका जो संवेग होता है एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्रॉस का एच क्रोस का इंटीग्रल मल्टीपल होता है यहां पर जो एच है वो एच अपॉन टू पाई बोलते हैं इसको एच अपॉन टू पाई ये बोर ने बोर मॉडल हाइड्रोजन के लिए जो बोर मॉडल था ना इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ते हो वहां से आपको बुक में एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिल जाएगा तो एल हमने निकाला तो कितना आया एम वी आर जबकि बोर मॉडल मौ, के हिसाब से देखो तो कितना आ रहा है एन एच अपोन टू पाई आ रहा है तो ये एल की वैल्यू अगर म्यूएल के एक्सप्रेशन में रखे तो म्यू का ओनली मैग्नीट्यूड में लेती हूँ तो माइनस हटाना पड़ेगा अपॉन टू एम और एल आएगा राइट तो यहां से अपन ई अपॉन टू एम और इस एल की जगह लिख सकते हैं एन एच अपॉन टू पाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्या आपको ये मिल रहा है यस एन ई एच अपॉन फोर पाई एम मिल रहा है ठीक है तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो क्वान्टाइज इसका मतलब ये कह रहा है कि बोर मॉडल में तो ये कहा गया था कि किसी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो हमारे पास क्वांटाइज होगा ठीक है यहां पर क्या मतलब जो भी चीज एन से मल्टीप्लाई हो रही है ना एन से कोई भी क्वांटिटी अगर मल्टी मल्टीप्लीकेशन में आती है और इस एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर यानी इंटीजर होगा तो हम उस चीज को क्वांटाइज्ड बोलते हैं ध्यान रखना अगर किसी क्वांटिटी का ये एन लिखा हुआ हो और उस एन की वैल्यू केवल इंटीजर हो वन टू थ्री फोर फाइव थ्री पॉइंट टू नहीं चलेगा टू पॉइंट थ्री नहीं चलेगा है ना केवल इंटीजर हो तो हम बोलते हैं कि वो जो क्वांटिटी है उसे हम क्वांटाइज्ड कहते हैं नाउ हमारे पास ई एच टू पाई के आगे एन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी भी कैसी हुई क्वांटाइज इसलिए यहाँ पर ये यह कहा जा रहा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई एच फोर पाई इस ई एच फोर पाई को हम कहते हैं बोर मैग्नेटोन तो जो म्यूएल है उसका फॉर्मूला कितना आया एन एज इट इज है और ये जो क्वांटिटी है उसे हम म्यू लिख रहे हैं बोर मैग्नेटोन ठीक है जहां पर म्यू भी जो है वो हमें इसकी जगह रखा है ये चीज जो है वो पूरी की पूरी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें सारे कांस्टेंट यूज हुए हैं ई e की वैल्यू यहाँ पर ये चार्ज की रख देख सकते हैं एम की जगह मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखा है और एच जो है वो प्लांग कांस्टेंट है और पाई हमारे पास थ्री पॉइंट वन फोर होता है सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो वन बोर मैग्नेटोन यानी एक बोर मैग्नेटोन की जो वैल्यू आती है वो नाइन पॉइंट टू सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर यूनिट आता है ठीक है अब जहां पर देख लीजिए तो ये एल इज इक्वल की वैल्यू मिल चुकी थी ये मैंने अभी, अभी अभी आपको बताया है और यहां से आपके पास म्यूवी की वैल्यू आ जाती है इसके बाद हम देखते हैं ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक रोटेशन क्या होता है ना अभी तक ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक रेशियो पढ़ा था अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक रोटेशन देखिए सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन uh, है है ना और वो v नोट स्पीड से सर्कल पे मूव कर रहा है सर्कल पे मूव कर रहा है किसी टाइम जब वो यहां होगा तो उसका वेलोसिटी वेक्टर इधर जाएगा ठीक है कोई पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो इसका मतलब सेंटर की तरफ उसको एक फोर्स मिलता है जिसे आप हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल और वैसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ उस पर हमेशा एक फोर्स लगता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर जहां v इसकी स्पीड होगी और आर इस सर्कल की रेडियस तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहा है मतलब इन सर्कल पे मूव कर रहा है तो किसी टाइम पे जब वो यहां पर रखा हुआ होगा तो जाहिर सी बात उस पर सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा मान लीजिए वो फोर्स है एफ नोट तो एफ नोट हमारे पास यहां पर क्या है एम वी स्क्वायर अपॉन आर ओके फिलहाल हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है तो बी इक्वल टू जीरो हमने कर रखा है ओके okay, तो इस कंडीशन में जिधर आपका ये घूम रहा है ना उधर ही देखो ओमेगा नोट लिया है ओमेगा नोट उधर ही लिया है और अगर ये उल्टा घूमेगा तो ओमेगा नोट इधर आ जाएगा इस पिक्चर और इस पिक्चर दोनों पिक्चर के वक्त हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करी है सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ एन इलेक्ट्रॉन इन एट इज कंसिडर्ड टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर मोशन कर रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर तो उससे इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो अफेक्ट होती है उसपे प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की जो मोशन है वो देखने के लिए सबसे पहले ये देखिए F नॉट इज इक्वल टू एम वी नोट स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम ओमेगा नोट स्क्वायर आर लिख सकते हैं ना क्योंकि वी नोट जो है वो कितना होता है ओमेगा नोट इन टू आर तो तो ये वैल्यू पुट करके आपको इक्वेशन तो समझ में आ जाएगी क्योंकि फिलहाल हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है अब हम क्या करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट यानी स्क्रीन के प्लेन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फिलहाल ये सर्कल बना हुआ है जो भी है वो स्क्रीन के प्लेन में बना हुआ है अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी ठीक है तो देखते हैं If a magnetic field is applied in the direction of perpendicular to the plane, अब ये जो plane इन्होंने लिया है ये plane से बाहर की तरफ लिया है या अंदर की तरफ लिया है वो एक बार देख लेते हैं है ना वो कैसे पता चलेगा हमें Yes, हमारे पास ठीक है एक बार के लिए मान लीजिए हमने स्क्रीन के पेपर लेन के बाहर की तरफ लगा लेते हैं स्क्रीन के, के तरफ बाहर तरफ बाहर लगाएंगे क्या एक नोट तो लग रहा है अंदर जस्ट अ मिनट है ना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा क्यू वी क्रॉस बी अगर वी हमारा इधर जा रहा है आ, और मुझे वी को हाँ हाँ ओके अः v b प्लेन मानो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक मिनट आगे डायग्राम दिया होना चाहिए यार हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम अंदर की तरफ मानेंगे ये देखो ये इन्होंने प्लस साइन बनाया ना ये बेसिकली प्लस नहीं है ये क्रॉस है क्रॉस का मतलब हमारे पास क्या होता है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो स्क्रीन के प्लेन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपको लेके चलनी है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है V को B के साइड में आपके राइट right हैंड की उंगलियों से मुड़ो V क्रॉस B निकालना है V क्रॉस B आपका ऊपर की तरफ आ रहा है क्या इधर आपका जा रहा है V क्रॉस B हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ठीक है और V क्रॉस B तो इसका मतलब जो F की डायरेक्शन है वो F की डायरेक्शन किसके इक्वल है माइनस का V क्रॉस B अब आपका V क्रॉस B किधर आ रहा है ऊपर की तरफ इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा ये उसके ऑपोजिट लगेगा तो ये नीचे की तरफ लगेगा एफ बी

तो फोर्स की भी उलट दीजिए यानी कि एफ नॉट तो अभी भी नीचे लग रहा है बट जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो अब ऊपर लगेगा पहले एफ बी नीचे लग रहा था तब आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो एफ बी की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है क्लॉकवाइज के, के केस में नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा एफ नॉट प्लस एफ बी और उसकी डायरेक्शन ये होगी बट जब वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो एफ नॉट तो नीचे लग रहा है और एफ एफ बी ऊपर लेकिन फिर भी वो सर्कल में मूव कर रहा है अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है इसका मतलब इसको आपको रिजल्टन लेना पड़ेगा तो एफ नोट माइनस एफ बी लेना पड़ेगा और अब बस इतना सा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और इस केस में इतना तो हमारे पास नेट फोर्स की दो पॉसिबिलिटी है एफ नॉट प्लस माइनस एफ बी जहां पर साइन किससे डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ओके सो देखिए ओमेगा जो है मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी है किसमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमारे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है मैग्नेटिक फोर्स एफ बी जो है वो रेडियल डायरेक्शन में रेडियल का मतलब होता है रेडियस की तरफ सेंटर की तरफ ठीक है इट कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द सेंट्री फोर्स एफ नॉट अगर पैरेलल होगा तो एफ नॉट प्लस एफ बी होगा एंटी पैरेलल होगा तो एफ नॉट माइनस इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ओके सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि परिणामी अभिकेंद्रीय बल जो होगा वो किसके इक्वल होगा एफ इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस माइनस एफ बी अब एफ हमारे पास क्या लिख सकते हैं क्योंकि अब वो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एफ नॉट पहले किससे कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और एफ बी एफ बी की वैल्यू हमने यहां से निकाली है एफ बी कितना होता है क्यू वी क्रॉस बी या फिर माइनस का ईवी बी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो कितना हो जाएगा बी वीई तो बी ई वी हो जाएगा और वी को आपके लिख सकते हो आर ओमेगा तो बी ई इंटू आर ओमेगा हो जाएगा तो ओमेगा e, आर बी हो जाएगा प्लस माइनस इस टर्म को इस एम ले लेफ्ट साइड में तो ये मिलेगा और राइट साइड में आपके पास ये है ही यहाँ पर आ, हमारे हमारा देखो क्या क्या, क्या कैंसिल आउट हो रहा है आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो एम है उस एम को नीचे लेके चले जाओ तो एम तो इधर आ जाएगा करेक्ट ओमेगा हाई अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए प्लस बी ए माइनस बी आपका फॉर्मूला बन रहा है अब मान लीजिए कि हमारा जो ओमेगा है वो बहुत ही मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट और हमें प्रोडक्ट में दिया हुआ है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट सपोज ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट के लगभग बराबर है लगभग बराबर होने का मतलब है कि एग्जैक्ट बराबर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अगर इन दोनों को जोड़ना पड़ा अगर इन दोनों को जोड़ना पड़ा तो क्योंकि दोनों लगभग बराबर है लगभग बराबर होने की वजह से हम इसको सकते हैं ट्वाइस ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा नोट को भी नियरली इक्वल टू क्या मान सकते हैं ओमेगा तो ये तो हो जाएगा टू ओमेगा अगर exactly इक्वल होता तो ये टर्म जीरो आ जाता बट एग्जेक्टली इक्वल नहीं है मतलब मान लीजिए इसकी वैल्यू है एक हजार और इसकी वैल्यू है एक हजार एक तो दोनों का जो अंतर है वो किसके इक्वल आया वन के इक्वल और ये वन जो है ये एक हजार और एक हजार एक की तुलना में काफी छोटा है तो हम इन दोनों के अंतर को मान लीजिए लिख देते हैं डेल्टा ओमेगा तो जहां प्लस होगा प्लस को आप लगभग दो ओमेगा क्यों लिख रहे हो क्योंकि प्लस में क्या होगा एक हजार प्लस एक हजार एक कितना हुआ दो हजार एक इस दो हजार एक को लगभग दो हजार माना जा सकता है यार मान सकते हैं ना इसलिए टू ओमेगा लिख दो बस डिफरेंस को डेल्टा ओमेगा लिखेंगे तो ये देखिए डेल्टा ओमेगा जो है इट इज द चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से जो चेंज आया है ओमेगा में वो रिप्रेजेंट करता है डेल्टा ओमेगा ओके नाउ डेल्टा ओमेगा इज वेरी स्मॉल अभी बताया एज कम्पेयर टू ओमेगा जीरो क्योंकि ओमेगा जीरो की वैल्यू हमने मानी थी एक हजार एक और डेल्टा ओमेगा आया था एक तो एक जो वैल्यू है वो एक हजार से काफी कम है इवन फॉर द लार्ज मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल छोड़िए वी कैन अज्यूम की दो जो दोनों है इसको हम लगभग टू ओमेगा मानेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू जो है ओमेगा प्लस टू ओमेगा को हम रख देते हैं टू ओमेगा तो जैसे ही टू ओमेगा रखेंगे इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेल्टा ओमेगा उस डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस ई बी अपॉन टू एम आई होप ये समझ में आ गया होगा आ जाएगा ना वैल्यू इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एंग लार्मर एंगुलर वेलोसिटी या फिर लार्मर फ्रिक्वेंसी ये इंपॉर्टेंट है लार्मर एंगुलर वेलोसिटी या फिर लार्मर फ्रिक्वेंसी हेडिंग में देखा था हिंदी में थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये थ्योरी वही है जो मैंने समझाई है आपको इसको आप पढ़ लीजिएगा और डायग्राम मैंने बनाया था एफ नोट का आपको बता दिया था कोर्स का आपको बता दिया था ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये भी पता चल गया ये हमारा आ गया लार्मर एंगुलर वेलोसिटी या फिर लार्मर फ्रिक्वेंसी ठीक है अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले देखा था ये आया था अगर हम इस दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन कर दो तो म्यूएल का कितना हो जाएगा डेल्टा म्यूएल इधर ई कॉन्स्टेंट है आर कॉन्स्टेंट है क्योंकि वो उसी सर्कल पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो आर चेंज नहीं होगा सिर्फ ओमेगा चेंज हुआ है तो यहाँ ओमेगा पे कितना लग जाएगा डेल्टा ओमेगा बाकी कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएंगे डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हमें मिली हुई है कितनी थी प्लस माइनस ई बी बाई टू एम अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है माइनस प्लस कर लो बात एक ही है तो हमारे पास ये आ जाएगा इन्होंने प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस भी ट्रू है और माइनस भी ट्रू है आप उल्टा करोगे तो भी माइनस और प्लस आएगा तो भी यानी एक बार माइनस हो सकता है एक बार प्लस हो सकता है तो हमारे पास डेल्टा म्यूएल की वैल्यू आ जाती है नाउ फिगर फोर ए शोज ये हमारे पास फिगर फोर है और ये फिगर फोर बी है इसमें फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और सेकंड वाले में वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इसमें देखने को मिल रहा है कि जब वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इधर दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं इधर एक नीचे की तरफ लग रहा है एक ऊपर की तरफ लग रहा है राइट तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है

जो मैंने लाइन भी पढ़ी है ना उसका मतलब क्या है अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज में जा रहा है, है ना इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज में जा रहा था तो हमने देखा था कि नीचे की तरफ दोनों फोर्स मिल गए थे एड हो गए थे और जब सेंटर की तरफ फोर्स बढ़ जाता है तो उसके घूमने की स्पीड भी क्या हो जाती है तेज हो जाती है यानी कि पहले इसका ओमेगा नोट था और बाद में अगर इसका ओमेगा हो गया है तो ये ओमेगा जो है वो ओमेगा नोट से ज्यादा होगा ध्यान रखना ये क्या होगा ज्यादा होगा ऐसी सिचुएशन में डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी थी ओमेगा माइनस ओमेगा नोट अगर ओमेगा ज्यादा होगा तो ये वैल्यू जो क्वांटिटी है वो आपको पॉजिटिव मिलेगी यानी कि डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी पॉजिटिव लेनी है आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है अगर आप जितना ज्यादा उस सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को बढ़ाते जाओगे पार्टिकल उतना तेज घूमता जाएगा ठीक है ये मान के चलना क्यों बोल रही हूं मैं ये बात क्योंकि जो सेंटर की तरफ लगता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर अगर इसे आप बढ़ाते जाओगे तो आप मान लीजिए रेडियस चेंज नहीं हो रही है मास चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका वी बढ़ रहा है और वी कितना होता है ओमेगा इन टू आर होता है और अगर वी बढ़ रहा है तो सारी सी बात है उसका ओमेगा बढ़ेगा इसलिए पार्टिकल फास्ट घूमता है तो इस सिचुएशन में आपको डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कैसे मिल रही है पॉजिटिव अब देखो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आपके पास ऑप्शन था प्लस माइनस दोनों में था प्लस माइनस ई बी अपॉन टू एम लेकिन क्लॉकवाइज के केस में क्योंकि हमने बोल दिया है कि डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए इसका सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव साइन साइन लो लो ये लो, मैंने ले है है तो डेल्टा डेल्टा म्यू की वैल्यू जो है, उसमें ओमेगा की जगह मैंने पॉजिटिव साइन रख दिया है ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव आ रही है क्योंकि आगे माइनस साइन है अंदर प्लस है तो इस कंडीशन में इसको कंक्लूड करते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है इस कंडीशन में डेल्टा ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव आती है और इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसकी डायरेक्शन जो होती है मतलब जिस जितना मैग्नेटिक मोमेंट हुआ है उसकी डायरेक्शन किधर आई है मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे आपने लिखा है बी ये आपने लिखा है बी तो बी की डायरेक्शन मान लीजिए जेड है तो आपके जो डेल्टा म्यू की डायरेक्शन होगी उसमें आगे नेगेटिव में आ रहा है यानी कि डेल्टा म्यू की जो डायरेक्शन है वो माइनस का बी की डायरेक्शन में होगी आगे बात समझ में तो यही लाइन में आपको बता देती हूं कि इस कंडीशन में क्या बोला गया ये है ये देखिए हाँ वेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इन क्लॉकवाइज यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन क्लोकवाइज में है देन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड पॉइंटिंग इनवर्ड्स द मैग्नेटिक फोर्स एफ एम जो कि और कुछ नहीं है एफ बी है विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ये कहना चाह रहा है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन की मोशन को क्लॉकवाइज माना है और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है तो आपका रेजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो सेंटर की तरफ आएगा और वो बढ़ावा मिलेगा अपन को ठीक है किस दिशा में एफ नॉट पहले नीचे लग रहा था ये एफ बी भी उसी दिशा में लगेगा ड्यू टू द इनक्रीज इन दिस फोर्स इस फोर्स के बढ़ने की वजह से द एंगुलर फ्रिक्वेंसी यानी ओमेगा ओमेगा नोट से ज्यादा हो जाएगी ये मैंने अभी भी समझा दिया था कि वो ज्यादा क्यों होगी दे फोर द मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू म्यू जो है इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि हमें पता है कि म्यू का फॉर्मूला था अपॉन टू एम इंटू एल था एल के अंदर क्या आया था एमवीआर आया था और एम वी आर में क्या आया था एम ओमेगा स्क्वायर आ गया अगर ओमेगा बड़ा है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो बढ़ेगा राइट right? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अगर आपका ज्यादा तेज घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा लेकिन उसमें जो चेंज हुआ है उसमें जो चेंज हुआ है ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट तो इंक्रीज increase होगा इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ इस प्रेजेंस क्या लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेकिन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट ये जो चेंज आया है इस चेंज की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि जो डेल्टा म्यू आया था वो आया था माइनस का बी के प्रोपोर्शनल तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी अब उल्टा करते हैं उल्टा वाला केस आप खुद समझिएगा वेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन एंटी क्लॉकवाइज अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो होगा क्या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी घट जाएगी क्यों क्योंकि नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स को ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स ने कम कर दिया है अब सेंटर की तरफ कम फोर्स लग रहा है कम फोर्स लगेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी अगर ये घट जाएगी ओमेगा नोट से कम हो जाएगी तो आपका ओमेगा माइनस ओमेगा नोट क्या होगा नेगेटिव आएगा लेस देन जीरो आएगा ऐसे सिचुएशन में आपको डेल्टा ओमेगा की वैल्यू लेस देन जीरो लेनी है यानी कि डेल्टा ओमेगा आपका कैसा होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए और जब आप ये नेगेटिव लेंगे तो ये देखिए फोर क्लॉकवाइज ओमेगा डिक्रीज होता है तो डेल्टा ओमेगा नेगेटिव लेना है और ये रही डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जो कि हमने नेगेटिव साइन के साथ में ली है तो आगे ऑलरेडी नेगेटिव है ये नेगेटिव है ये आ जाएगा प्लस यानी इस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा ध्यान रखना डिक्रीज क्यों होगा क्योंकि म्यू प्रोपोर्शनल टू l होता है अगर l डिक्रीज हुआ है तो म्यू भी घटेगा लेकिन उसके जो घटने की दिशा है यानी कि उसका जो चेंज आया है डेल्टा म्यू इसकी जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगी यहां यही कहना जा रहा है एज अ रिजल्ट द मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेज द मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस इज इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज तो होगा क्योंकि केवल मैग्नेट्यूड बताया है लेकिन जो डायरेक्शन है वो देखो द मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो so, हम क्या कहना चाह रहे हैं अब कंक्लूजन करते हैं कंफ्यूजिंग बहुत हो गया अब कंक्लूजन देखो हो क्या रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब घूम रहा है तो फ्रीक्वेंसी या तो बढ़ी हुई मिल रही है या घटी हुई मिल रही है पहला केस जब उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी यानी इलेक्ट्रॉन फास्ट घूम रहा था फास्ट घूमने पर हमने देखा कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया करेक्ट अब जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ा हुआ है उस बढ़े हुए मैग्नेटिक मोमेंट की जो दिशा है वो बढ़ावा जो मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल रहा है ना उस बढ़े हुए मैग्नेटिक मोमेंट uh, की जो दिशा है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट है राइट और दूसरे केस में हमें घटावा मैग्नेटिक मोमेंट मिला था और उस घटे हुए मैग्नेटिक मोमेंट की जो दिशा है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्र, अ, दिशा में है यानी कि जब मैग्नेटिक मोमेंट घट रहा है जब मैग्नेटिक मोमेंट आपका घट रहा है तब तो वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में आ रहा है और जब आपका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यानी बढ़ा हुआ मैग्नेट जो है आपका तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है भाई ये आपके पास डाया मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कारण देखो डाया मैग्नेट के अंदर हमारे पास क्या होता है अभी आएगा आगे चलो छोड़ो सो so, हम ये अच्छा इससे क्या समझ में आ रहा है कि घटेगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा बढ़ेगा तब मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट रहता है मतलब ज, जैसे ही वो मैग्नेटिक uh, फील्ड की दिशा में तो घट रहा है ना इसका मतलब देखो ये कहना चाह रहे हैं हम हम हमने एक कंक्लूजन क्या लिखा है अब ध्यान रखना सपोज आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस दिशा में जैसे जैसे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है मतलब ये जो दो लाइनें यहां लिखी हुई है ना इसका अगर मैं लास्ट में एक स्टेटमेंट दू ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट खत्म होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है और बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट आपका बढ़ता जा रहा है यानी बी के खिलाफ तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता जा रहा है और बी की दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट घटता जा रहा है ये इसका लाइन का मतलब है आई होप समझ में आ गया होगा तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं ना कि हमारा जो चेंज है मैग्नेटिक मोमेंट में जो भी चेंज आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के ओपोजिट आ रहा है क्यों क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में तो ये घट रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ ये बढ़ रहा है इसका मतलब ये कह सकते हैं ना कि डेल्टा म्यू जो है वो चाहता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ रहूं तभी तो उसके खिलाफ तो बढ़ रहा है और उसकी दिशा में घट रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसके उसके साथ फाइट कर रहा है उसका अपोज कर रहा है और जो चीजें अपोज करती है उन्हें आपस में नेगेटिव साइन के साथ में लिखा जाता है इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा म्यू का जो एक्सप्रेशन है जो कि हमारा आया था आ, प्लस माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन फोर एम आया था हम उसमें से प्लस साइन हटा देंगे केवल माइनस साइन रखेंगे क्यों क्योंकि हमें ये पता चल गया कि यार मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में तो ये डिक्रीज होता जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट ये बढ़ता जा रहा है यानी इसको कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ रहना है द थिंग इट वॉन्ट्स टू से है ना इसका मतलब क्या है अब देखना इस एनालिसिस से हमें पता क्या चलता है इससे ये पता चलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे प्रेजेंस है कहीं पे प्रेजेंट है ठीक है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम दैट इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसका ये मतलब है कि अगर दो एटम है उसमें से एक में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है दूसरे में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो दोनों की एंगुलर स्पीड बदल जाएगी क्योंकि एक की एंगुलर स्पीड बढ़ेगी और एक की घटेगी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के अंदर आएगा वो भी अलग अलग होंगे अब दोनों का ओमेगा अलग है तो म्यू भी अलग होगा ना सो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट डू नॉट डिस्ट्रॉय वन अनदर एंड रेजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द एटम और द मैटर द डायरेक्शन ऑफ दिस रेजल्टेंट मोमेंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डाया आपने डाया पैरामैग्नेट के बारे में पढ़ा है डाया मैग्नेट में हम हम क्या करते हैं कि डाया मैग्नेट का खुद का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना वो बाहर से लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा खिलाफ होता है और हमें हमारे इस केस में भी यही देखने को मिल रहा है कि जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है इसकी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक मोमेंट घटता जा रहा है और इसके ऑपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता जा रहा है और डाया मैग्नेट में भी क्या होता है कि ऑपोजिट में तो बढ़ता जाता है क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड से फाइट करना है और उसके डायरेक्शन में वो घटता जाता है लेकिन पूरी तरह से डाया मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है क्योंकि एक का मैग्नेटिक मोमेंट आपको ज्यादा मिलेगा और दूसरा का जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है दूसरा का जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम मिलेगा यानी बढ़ा हुआ जो मैग्नेटिक मोमेंट है सपोज करो वो थ्री है तो घटे में वो आपको टू ही मिलेगा कारण इसका ओमेगा और इसका ओमेगा अलग अलग था जिसकी वजह से इसका म्यू और इसका म्यू अलग अलग होगा दोनों का एक तो अलग अलग होगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी सपोज इसका थ्री है और इसकी डायरेक्शन है ऊपर तो इसका टू है और इसकी डायरेक्शन है नीचे तो थ्री और टू एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं करेंगे रेजल्टेंट आपके पास वन बच जाएगा इसलिए डाया मैग्नेट के अंदर भी हमारे पास रेजिडुअल मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी मैग्नेटाइजेशन होता है तो क्या बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डाया मैग्नेटिज्म क्लियरली डाया मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सबस्टांस सब में ही होगा यार क्योंकि सब में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और सब में हीस केयरोमैग्नेटिक तो 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 रो, रोटेशन अब आप सोचेंगे पैरा मैग्नेट का क्या है आगे आएंगे शांति शांति ये बता रहा है कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो डाया मैग्नेट डाया मैग्नेट है वो सारे सब्सटांसिस में होता है जो हम पेराफेरों की बात करते हैं वो स्पिन की वजह से आ जाता है फिर ठीक है बस आपको इतना ही पढ़ना था इसके बारे में आगे की थ्योरी आप मत पढ़िए हिंदी वालों को दिखा देती हूँ नोट्स पेपर में ये आपका डायग्राम था ठीक है ये दो पिक्चर्स हमारे पास ये थ्योरी जो मैंने समझाई है वही आपको पढ़नी है आई एम नॉट रीडिंग इट अगेन ये लीजिए ठीक है अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसको छोड़ दीजिए हम्म इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब होता क्या है आ, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन इन एटम एडिशन टू इट्स ऑर्बिटल रोटेशनल मोशन अराउंड न्यूक्लियस ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस लाइक अर्थ हमारी जो अर्थ है वो खुद की जगह पे ही घूमती रहती है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं इस मोशन को बोलते हैं स्पिन मोशन और एक वो जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है उसकी वजह से उसकी वजह से साल बदलता है हाँ गर्मी सर्दी आती रहती है जो भी है दो तरह की मोशन अर्थ करती है एक तो सन के चारों तरफ उस मोशन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल जो सूरज के चारों तरफ घूमती है जो कि हमने अभी अभी देखा बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसा जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है दिस मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन जहां पर होता है है ना वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूमता रहता है खुद ही वही वही रखा वही घूम रहा है किसी के चारों तरफ नहीं बन रहा अपनी एक्सिस पे घूम रहा है इसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन तो ये बोल रहा है कि जब किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो एक तो वो ऑर्बिटल रोटेशन मोशन करता है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है और इस मोशन को हम बोलते हैं स्पिन ठीक है किसने प्रोड्यूस किया छोड़ दो बस हमें तो यह ध्यान रखना है स्पिन मोमेंटम ड्यू टू स्पिन कैन बी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी अब ये क्वांटम थ्योरी जो है वो आप पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थ्री में इसलिए अभी के लिए आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है सपोज कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन हमें पता है ना कि उसका स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ ही हो सकता है तो उस स्पिन के करस्पोंडिंग देखो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमने की वजह से उसमें एक एंगुलर मोमेंटम आया जिसे हमने बोला एल अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है स्पिन कर रहा है तो जाहिर सी बात है स्पिन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए तो स्पिन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है उसे हम बोलेंगे एस क्वांटम मैकेनिक्स जो कि आप बीएससी पार्ट थ्री में पढ़ेंगे उसमें ध्यान रखिएगा ये जो एस आपने लिया है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट ऑफ एस एस प्लस वन टाइम्स एच क्रॉस ये क्वांटम मैकेनिक्स में आप डेरिवेशन पढ़ लेंगे छोटा वाला एस क्या है छोटा वाला एस है स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है हाफ हमेशा इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर कितना लिया जाता है हाफ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे वन टू, वन टू प्लस वन, एच तो कितना हो जाएगा? थ्री थ्री टू एच क्रॉस ये हमारे पास स्पिन होता है तो यहाँ पर देखिए एस का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा एस का ये मिल जाएगा मैंने अभी भी बताया और यहाँ पर ये यह छोटा वाला एस आएगा ठीक है स्मॉल एस अंदर वाला इट इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर एंड इट कैन हैव ओनली पॉसिबल वैल्यू होती है तो ये वैल्यू टू वैल्यू रखी तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा अब देखिए इसके orientations कितने कितने हो सकते हैं आई जस्ट टेल यू वन थिंग है ना आपने ये देखा होगा कि एस पी डी एफ इसके लिए जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटम नंबर होता है जिसे आप कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कक्षीय क्वांटम संख्या एस के लिए जीरो लेते हो पी के लिए वन लेते हो डी के लिए टू लेते हो और एफ के लिए सॉरी हाँ हाँ थ्री लेते हो तो हमारे पास यहाँ पे जब आप एस की अब आपको पूछते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं एस में आप बोलते हो ना कि एस का केवल एक ऑर्बिट होता है पी के आपके पास तीन होते हैं डी के आपके पास पांच होते हैं तो आते कैसे किस फॉर्मूले से आ रहे हैं ये आ रहे हैं टू एल्व प्लस वन फॉर्मुले से रखो एल की वैल्यू जीरो एल की वैल्यू जीरो रखोगे तो आंसर कितना आ रहा है वन इसमें टूएल्व प्लस वन में एल की वैल्यू वन रखो आंसर कितना आ रहा है थ्री इसमें टू प्लस वन की जगह एल की वैल्यू रखो टू आंसर कितना आ रहा है फाइव तो जिस तरह से एल क्वांटम नंबर के करस्पोंडिंग हमारे पास पॉसिबल पॉसिबल स्टेट्स कितनी होती है टू एल्व प्लस वन वैसे ही स्पिन क्वांटम नंबर अगर एस है तो इसके करस्पोंडिंग भी कितने पॉसिबल होंगे टू एस प्लस वन टू एस प्लस वन होगा अब इस एस की वैल्यू हमने देखा था हमारे पास कितना आ रहा था वन बाय टू वन बाई आ रहा था ना एस तो आंसर कितना आ रहा है टू यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास केवल दो ही दिशाएं पॉसिबल है केवल दो ही दिशाएं तो देखो द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैन हैव 2s एस प्लस वन इज इक्वल टू टू ओरिएटेशन रिलेटिव टू एनी डायरेक्शन सपोज दैट डायरेक्शन है सो दैट एस इज गिवन बाय अब यहां पर देखिए एक हमने एक लाइन खींची है ठीक है हमारे पास एस जेड का फॉर्मूला जल्दी से बता देती हूँ कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मैंने कहा था कि एस की वैल्यू होगी रूट ऑफ एस एस प्लस वन टाइम्स एच क्रॉस उसी तरह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ध्यान रखना जिसके तीन कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड इसमें हम केवल जेड की बात करते हैं क्यों करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स में डिटेल से पढ़ लेना अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो एस जेड जो होगा हमारे पास उसका फॉर्मूला आता है एम एस एच क्रॉस इस एस की वैल्यू तो होती है by 2, और इस एम एस के दो पॉसिबल वैल्यू होती है स्पिन के लिए प्लस हाफ और डाउन स्पिन के लिए माइनस हाफ तो इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस हाफ तो ये आपके पास मिलता है प्लस माइनस एच क्रॉस बाय टू तो दो ओरिएंटेशन हो गई ना एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ अगर प्लस हाफ और माइनस हाफ लेना है तो सपोज यहाँ पे आ रहा है प्लस एच क्रॉस बाय टू वैल्यू नीचे आएगा माइनस एच क्रॉस बाय टू और ये हमने कौन सी दिशा ली है जेड दिशा है तो जेड डायरेक्शन में तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा अच्छा और एस ये तो एक वेक्टर बना हुआ है ये वेक्टर बना हुआ है तो आपको क्या लेना पड़ेगा ये एस वेक्टर इधर जा रहा है और ये एस वेक्टर मान लीजिए इधर आ रहा है तो इस ये हमारा एस वेक्टर है और इधर जा रहा है हमारा जेड कंपोनेंट ये हमारा है एस वेक्टर और इधर हमारा है जेड कंपोनेंट ध्यान रखिएगा तो इस एस का यहाँ पर लंब डालोगे तो इसी एस का जेड घटक आ जाता है ये वाला इसी एस का जेड घटक आ जाता है ये वाला तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है उसी तरह से मान लीजिए आगे बढ़ता जाता है तो ये डायग्राम बनाया हुआ है अब देखो एस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है और एस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है ये हमारा एस के दो वेक्टर बने हुए वे हैं तो इन दोनों को सेमी सर्कल के अंदर हमने डाला हुआ है और ये देखो एस की वैल्यू जो मैंने अभी भी निकालना आपको बताया क्लियर और ये मैंने अभी भी आपको बताया एम एस एच क्रोस जिसकी वैल्यू प्लस माइनस हाफ होती है एम एस की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ कैसे रिप्रेजेंट होता है स्पिन अप के लिए प्लस हाफ और स्पिन डाउन के लिए माइनस हाफ अब हमें पता है कि जिस तरह से आपने जायरो मैग्नेटिक रेशियो निकाला था ऑर्बिटल मोशन के लिए वैसा ही जायरो मैग्नेटिक रेशियो होगा स्पिन के लिए करेक्ट तो हमारे इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि हमने जब वैल्यू निकाली थी जी एल की इफ यू रिमेंबर वो वैल्यू आई थी माइनस ई बाई टू एम टाइम्स एल सॉरी नहीं ये था म्यू एल और जी एल हमारे पास क्या आया था म्यू एल और एल का रेशियो जो कि हमें कितना था माइनस का टू एम आपको ध्यान रखना है कि जो जी एल की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉनों के लिए हमेशा ये वैल्यू वन ली जाती है हमेशा ये वैल्यू वन ली जाती है अगर ये वैल्यू वन ली जा रही है तो क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू एल इज इक्वल टू माइनस का जी एल ई बाय टू एम इन टू एल क्योंकि जीएल वैल्यू ऐसे भी आप वन रख रहे हो तो आपके पास आ जाएगा आंसर उसी तरह से अगर हम स्पिन के करस्पॉन्डिंग लेते हैं और इसकी वैल्यू आती है जी एस तो हमारे पास हो जाएगा एल e की जगह आ जाएगा यानी सेम फॉर्मूले में जहां जहां एल था वहां, वहां वहां एस रख दिया और इस जी एस की वैल्यू आपके पास होती है वन बाय टू ये होता है वन बाय टू देखो कैसे तो म्यू एस का फॉर्मूला हम लिखते हैं ये अभी भी बताया था जीएस जो होता है इट इज द जायरो मैग्नेट रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर स्पिन और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो आती है टू पॉइंट लेकिन हम इसे क्या लेते हैं टू वन बाई टू बोल दिया मैंने गलती से इसकी वैल्यू लेते हैं टू ठीक है तो इसका ये मतलब है कि जायरो मैग्नेटिक रेशियो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए जाए तो उसकी स्पिन मोशन के लिए जो भी रेशो आता है वो उसकी ऑर्बिटल मोशन का डबल होता है डबल क्यों बोला भाई क्योंकि जीएल की वैल्यू आपने रखी थी वन और जीएस की वैल्यू हमारे पास आ रही है टू जाहिर सी बात है इसका मतलब ऑर्बिटल का डबल हो गया ना ऑर्बिटल का डबल हो गया ठीक है टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है जे वो हमेशा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए दो तरह के एंगुलर मोमेंटम को टोटल करके बनाया जाता है दोनों हमने अभी अभी पढ़ लिए एक उसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आया है और एक उसके स्पिन मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आया है इन दोनों का टोटल करने से हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है ये देखिए स्पिन के केस में एस जो है और ये आपके पास फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसी तरह से अगर ये हाँ जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एस की डायरेक्शन ऊपर ली जाती है और जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो एस की डायरेक्शन नीचे ली जाती है बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों को पकड़ के एक बार घुमाओ एंटी एंटीक्लोकवाइज तो आपका अंगूठा ऊपर आएगा ना इसलिए एस ऊपर लिया है फिर अपने ही इन्हीं उंगलियों को दूसरी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करो अंगूठा नीचे जाएगा तो इस तरह से डायरेक्शन ली जाती है अब जैसे जो चीज हमने एल के साथ करी है जो चीज हमने एस के साथ करी है सेम टू सेम वही चीज हम जे के साथ कर सकते हैं ठीक है तो जे के साथ करेंगे तो सेम टू सेम फॉर्मूला देखो जे का लिख दिया बस यहां पर जो जीजे है इस जीजे का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला फिलहाल आपको नहीं देखना है इट इज जस्ट अ मल्टीप्लायर विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ वो बाद में जब आएगा तब तो देख लेंगे है ना <coughs> किसी प्योर ऑर्बिटल मोशन के लिए हमेशा जी की वैल्यू वन होती है और प्योर स्पिन के लिए वो टू होती है और अदरवाइज इसकी वैल्यू इन दो के बीच में आ जाती है शायद ये लांडेज स्प्लिटिंग फैक्टर है बट इसका फॉर्मूला फिलहाल आपके नहीं आया तो मत कीजिए कोई दिक्कत नहीं है चलिए हिंदी वाले देख लीजिए ये हमने पढ़ लिया अभी ओके सेम मैंने एस का आपको बताया एस जेड आपको पता है थ्योरी आप देख लीजिएगा क्योंकि हिंदी में ही समझ रहे थे अपन तो डायग्राम भी अभी अपन ने देखा था सेम टू सेम यही है जे की वैल्यू हमने देखी थी और जे की वैल्यू एल प्लस एस की इक्वल है सिमिलरली हमारे पास अः जायरो मैग्नेटिक रेशियो जो जे की करस्पॉन्डिंग लेना है वो कितना हो जाएगा म्यू जे अपॉन जे हो जाएगा इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है माइनस ई बाई टू एम ही हो या e माइनस है क्योंकि नेक्स्ट तो टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय मैग्नेटाइज मैटर किसी मैटर को अगर हमने मैग्नेटाइज कर दिया है और फिर वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो हमें यहाँ पर देखना है तो जस्ट अट ये कौन सा वाला टॉपिक है ये ये वाला टॉपिक है हम इसी पे आ जाते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुक में एक्स्ट्रा चीजें काफी दी हुई है हाँ ये वाला टॉपिक है ओके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे लेकिन दो तरह से मैग्नेटाइज कर सकते हैं देखो या तो यूनिफॉर्मली करो यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे चले जाओ सब जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड आपको या सेम टाइप का मैग्नेटाइजेशन मिलेगा और दूसरा होता है कि कहीं से उस मटेरियल को ज्यादा मैग्नेटाइज कर दिया कहीं से उसको कम कर दिया उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म तो दोनों केसेस पढ़ने हैं पहला केस हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मटीरियल अब इस यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज मटीरियल में भी दो केस हैं कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो वो उस मटीरियल के बाहर निकालना चाहते हो या अंदर तो सबसे पहला केस हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट बाहर सबसे पहले हम मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो होता क्या है जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये पहली बात वेक्टर तो क्वांटिटी होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये देखिए देखो एवरी सबस्टांस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटोमिक करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एवरी एटम ड्यू टू मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि हर सबस्टांस एटम से बना हुआ होता है और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं जिसकी वजह से उसमें करंट आ जाती है एवरी एटोमिक करंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी इक्वेलेंट टू अ मैग्नेटिक डायपोल हर एटोमिक करंट जो होती है उसे आप मैग्नेटिक डायपोल मान सकते हो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो कितना होता है करंट इन टू एरिया इसका मतलब अगर मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है डायपोल का ही तो होता है तो मैग्नेटिक डायपोल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट भी आ चुका है ठीक है अब हम यहां मान के चलते हैं कि हर सिंगल इलेक्ट्रॉन जब भी चारों तरफ घूमेगा तो उसकी वजह से जो डायपोल बनेगा उसके अंदर जो मोमेंट आएगा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा चुंबकीय की आगुण आएगा उसे हम मान लेते हैं एम यानी एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के चारों तरफ चक्कर काटता है तो उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है एम आ रहा है ठीक है द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम इस कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए मटीरियल टोटल है? ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम चौथा एटम एटम, छठा एटम सातवां एटम आठवां, नौवा दसवां ग्यारहवा एंड सोन करेक्ट अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो इसकी वजह से डायपोल बनेगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एम इसका मान लीजिए इसके अंदर एम बना रहा है और इसका कितना आ रहा है एम टू आ रहा है और इसका कितना आ रहा है तीसरे वाले का एम थ्री आ रहा है चौथे वाले का कितना आ रहा है वो क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से आ रहा है तो हमें जब टोटल टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा समेशन करना पड़ेगा और मैं समेशन कर देती हूँ ले कितने है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मतलब तीन तीन छह हाँ बारह आई वन तो ये अब इस पूरे सब्सटेंस का वॉल्यूम देखिए मान लीजिए इस पूरे सब्सटेंस का वॉल्यूम था डेल्टा वी तो डेल्टा वी वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया समेशन एम आई तो एकांक आयतन में यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना आएगा डेल्टा एम आई अपॉन डेल्टा वी और यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसे ही हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप पढ़िए द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम ये आ गया ई इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइयत आइयत का है इलेक्ट्रॉन का नहीं है पूरे ऐटम का ले रहे हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे सबकी वजह से टोटल मिला के आएगा एक, एक पांच इलेक्ट्रॉन है तो पांचों का अलग अलग निकालना है, फिर उनका करना है वो टोटल कितना होगा एम वन होगा सपोज पहले एटम में पांच इलेक्ट्रॉन है तो पांचों की वजह से टोटल जो मोवमेंट आएगा उससे हम एम वन ले रहे हैं यानी कि जो एम वन है वो पहले एटम का मैग्नेटिक मोवमेंट है एम टू दूसरे ऐटम का होगा सिमिलरली सबका हो जाएगा समेन एम आई ठीक है और वो किसमें है डेल्टा वी में है नाउ नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो इनकी जो डायरेक्शन है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है साफ साफ पता है हमने अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन के एंटी क्लॉकवाइज और क्लोकवाइज होने से ही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बदल जाती है तो ये तो रैंडम मोशन कर रहे हैं रैंडम मोशन कर रहे हैं तो सबके रैंडम रैंडम प्लेन होंगे कोई ऐसा सर्कल काट रहा होगा कोई ऐसा सर्कल काट रहा होगा कोई ऐसा सर्कल काट रहा होगा सपोज इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम वन इधर जा रहा है इसका इसके परपेंडिकुलर कर लो एम टू इधर जा रहा है इसका इधर परपोशन कर लो एम थ्री जा रहा है तो होता क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो सबकी डायरेक्शन रैंडम है ऐसी सिचुएशन में जब सब सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने से सारी डायरेक्शन अगर पॉसिबल्स है तो नेट एवरेज कितना आएगा जीरो इसलिए जब वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो हमारा सब्सटेंस जो है वो नॉन मैग्नेटाइज हमें लगता है जबकि हमें पता है कि हर एटम के पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट है लेकिन सबका मिलके क्या हो जाता है जीरो हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर भी क्या रोल अच्छा रोल प्ले करता है टेम्परेचर की वजह से ये इधर उधर होते रहते हैं इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इधर उधर तो एक का इधर जा रहा है एक का इधर जा रहा है एक का इधर एक का इधर सबका मिला के कितना हो जाता है जीरो अब देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटोमिक मैग्नेटिक मोमेंट इन अनमैग्नेटाइज सब्सटांस इज रैंडम रैंडम होता है द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम इज जीरो इसलिए वो जीरो आ जाता है लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट कर दें तो क्या होता है ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में एक दिशा में होने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलती है समेशन एम आई की और हमें एम भी नॉन जीरो मिल जाता है डिपेंड करता है ये एम कितना होगा इसकी वैल्यू साफ साफ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है ठीक है

किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज तो कर दिया है अब उसे उठा के ले जाओ अब हम क्या करेंगे उसकी वजह से बाहर किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है तो वो हम क्या करेंगे निकालेंगे ओके सपोज कैपिटल एम इज अलोंग जेड एक्सिस मान लीजिए हमने जिस मैटर को मैग्नेटाइज किया है वो हमने जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा के कि किया था तो उसका सारा मैग्नेटाइजेशन जो आएगा वो किधर आएगा जेड डायरेक्शन में आएगा तो एम की डायरेक्शन में मान ली जेड नाउ इमेजिन अ स्लैब ऑफ थिकनेस डी जेड ऑफ द सब्सटेंस अब हमने क्या किया है एक पट्टी ली है उस पट्टी की जो मोटाई है वो Z डायरेक्शन में है मतलब Z दिशा में वो स्लैब रखी हुई है स्लैब नॉर्मली जो किचन की स्लैब होती है ना जिसपे हमारा गैस वैस रखा होता है तो पट्टी बोल सकते हो आप उसको तो एक छोटी सी स्लैब है और वो उसकी जो मोटाई है वो Z डायरेक्शन में है यानी कि स्लैब आपकी ऐसी है ठीक है और ये जो डायरेक्शन है दिस इज डी जेड इसकी जो मोटाई है वो डीजेड है और आपने मैग्नेटाइज भी इसी डायरेक्शन में किया है तो दिस स्लैब कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस इन सच अ वे दैट द थिकनेस ऑफ एवरी पीस इज इक्वल टू डी जेड अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं एक बार ये हमने स्लैब लिए इसका एम इसका जो एम है वो जेड डायरेक्शन में है और ये इसकी मोटाई थी यहां पे डी जेड

टुकड़े इस तरह से करने हैं कि हर टुकड़े की जो मोटाई है वो डीजेडी होनी चाहिए तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका एक टुकड़ा जो है इसका सपोज ये वाला टुकड़ा है है ना उस ये हाँ तो इसकी भी कितनी होगी डी होगी अब एक टुकड़े को उठा के लाओ तो एक टुकड़े को जूम करके देखोगे तो वो ऐसा होगा यानी कि अभी भी उसका एम तो ऊपर ही है और ये है डीजेड और ये मान लीजिए उसका एरिया है डीए कौन सा ये ये वाला एरिया उसका डीए है तो इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कितना होगा डीए इन टू नाउ आई जो है हमारे पास हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये जेड है और मैग्नेटाइजेशन हमारे पास ऊपर आ रहा है सो दिस कैन रिप्लेस्ड रिप्लेस एटॉमिक करंट एटोमिक करंट में क्या हो रहा था जब बताना जरा एटॉमिक एटोमिक करंट में हमारे पास एक सर्कुलर मोशन में सपोज मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है ऊपर तो उसमें हो क्या रहा था उसमें आई करंट फ्लो हो रही थी कितने आ, उसमें आ, एरिया फ्लो हो रही थी आ, ए एरिया में है ना ए एरिया में हमारे पास करंट फ्लो हो रही थी अब यहां पर ये यह क्या बोल रहा है आई इज इक्वल टू एम इन टू डी जेड ये समझते हैं ठीक है यहाँ देखिए सच एन एलिमेंट इज शोन इफ द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज डी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका डी ए है देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एलिमेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एलिमेंट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डी देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एलिमेंट ये इसने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है यानी ये स्मॉल एम की वैल्यू बता रहा है कैसे आया जस्ट अ मिनट कैपिटल एम का फॉर्मूला अभी अभी देखा समेशन एम आई अपॉन डेल्टा वी तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है स्मॉल एम इसका फॉर्मूला क्या आएगा कैपिटल एम इन टू डेल्टा वी करेक्ट अब हमारा जो पीस है उस पीस का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटाइजेशन कितना लिया है हमने एम लिया है। ये वाला जो एरिया था ये कितना था डी ए और ये वर्टिकल हाइट कितनी थी डी जेड कॉमन सेंस लगा के बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम हमारे पास होगा क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय डी जेड तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी डी ए इंटू डी जेड तो ये हुआ उसका मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू क्लियर है ना

फील्ड निकालना चाहते हो तो वो बिल्कुल उतनी ही आएगी जितनी की अगर आप कोई करंट कैरिंग लूप ले लो जिसमें कोई करंट फ्लो हो रही है आई और उसकी वजह बस उसका बशर्ते इसका मैग्नेटाइजेशन कितना है कैपिटल एम तो ये जो करंट इसको रिप्लेस करेंगे हम करंट कैरिंग लूप से उस करंट कैरिंग लूप का भी मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास या मैग्नेटेशन एम आता है या फिर सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट जो है स्मॉल एम आता है ये स्मॉल एम है ना हमने क्या किया है डोंट गेट कंफ्यूज अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी जस्ट डू इट दिस फॉर यू कि हमारा एक्चुअल में सिचुएशन ये थी है ना ये हमारा मटीरियल था करेक्ट इसका था मैग्नेटाइजेशन एम और हमने अभी भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम निकाल लिया अब अगर मैं इसको रिप्लेस करूं बिल्कुल इसी साइज एंड शेप के मटेरियल से बस उसमें मैं एम नहीं रख रही हूं मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवा देती हूँ ऐसे जो पीछे से जाके इधर वापस आ रही है ये करंट मान लीजिए आई है लेकिन इस आई करंट की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर एम आ जाए तो हमने निकाल लिया ना इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी एम है इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी एम है, है यानी कि इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उतनी ही दूरी पर पी पॉइंट लेंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उतनी आएगी तो हम इसका क्यों निकालें इसका हमें फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली हम ये करेंगे तो हम इसको रिप्लेस करेंगे अब करंट कैरिंग लूप में और वो रिप्लेसमेंट कैसे किया है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना चाहिए हमें पता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए एम डी ए टू डी जेड जबकि करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमें पता है करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है करंट इन एरिया तो सपोज करंट एरिया अब करंट कितनी है हमें क्या चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग की एम का एक्सप्रेशन होता है करंट एरिया और हमें इस एम की वैल्यू कितनी चाहिए जो पहले वाले कंपोनेंट की मिली थी और वो हमें मिली है एम डी ए डी जेड हम जानते हैं कि जो हमने रिप्लेसमेंट किया उसका एरिया तो अभी भी हमें डीए लेना पड़ेगा क्योंकि हमने शेप चेंज किया ही नहीं है तो आई इन टू डी ए मस्ट बी इक्वल टू एम डी ए डी जेड तो डी ए से डी ए कैंसल आउट यानी कि करंट कितनी फ्लो करवानी है हमें I इज इक्वल टू एम इन टू डी जेड यानी अगर हम एम डी जेड बराबर मात्रा में करंट फ्लो करवाएं तो इस पिक्चर को इस पिक्चर से रिप्लेस किया जा सकता है वही यहाँ पे करना है तो I इज इक्वल टू एम डी जेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ दिस एलिमेंट ठीक है तो उससे हमें ये मिल जाएगा तो अब देखो यहां से D को रिप्लेस किया है फिगर नंबर ई से डी में एम लग रहा था अब एम का कंसेप्ट हटा दिया है करंट फ्लो करवाई है

कॉमन बाउंड्री पर ऊपर की डायरेक्शन से करंट आ रही है राइट हैंड साइड में नीचे की डायरेक्शन में करंट आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में तो होगा क्या दोनों कैंसिल आउट तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी करंट कैंसिल आउट कर देगा ये भी करंट कैंसिल आउट करेगा तो इन दोनों को मिला के इधर करंट गई ऊपर गई इधर आई इधर आई अच्छा इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा सॉरी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें ऊपर जाएगी और इसमें नीचे तो बीच वाली जो कॉमन बाउंड्रीज है सब में करंट कैंसिल आउट हो जाएगी केवल लास्ट वाली बाउंड्री में बचेगी क्योंकि लास्ट वाले को कैंसिल आउट करने के लिए कुछ नहीं है तो हमारे पास जो लेयर है उसमें केवल अब बीच में नहीं है यहां पर बीच में जो कॉमन बाउंड्री आ रही थी उन सब की करंट कैंसिल आउट होकर जीरो हो गई केवल साइड साइड में मिल रही है देखो और ऐसे ही इसके नीचे लेयर लगा दो उसके नीचे पूरे मटीरियल में आप क्या करो ये करंट आपको फ्लो करवानी है ये करंट हमने फ्लो करवा ली पूरे मटीरियल के अंदर ठीक है तो वो करंट हमारे पास कैसे आई देखो अब पूरी बॉडी में करंट चेंज कर दी कैसे पूरी बॉडी में कैसे चेंज कर दी अब आई इज इक्व एम के बराबर क्यों ये देखो द होल बॉडी ऑफ द मैग्नेटाइज मैटर कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ सच स्लैब्स ऑफ थिकनेस डी जेड डी जेड की स्लैब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाओ वन ओवर अनदर उसका रिजल्टेंट बिहेवियर विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द ब्रॉड रिबन ठीक है अराउंड विच अ करंट ऑफ एम डीजेड जब आपने लिखा था ना कि एम बराब, बराबर आई बराबर फ्लो करवानी थी ये टोटल करंट थी है ना ये टोटल करंट थी अगर मैं आपसे बोलू इसकी डायमेंशन कितनी आती सिर्फ एमपियर आती लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि डी मोटाई में डीजेड मोटाई में आपने करंट फ्लो कराई कितनी आई करेक्ट तो यूनिट मोटाई में यूनिट मोटाई में करंट कितनी फ्लो कराओगे आई अपोन डीजेड और आई कितना है एम डीजेड और नीचे कितना है डीजेड कैंसिल आउट हो जाएगा एम तो अब देखो एम 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 पर यूनिट थिकनेस इज पासिंग पर यूनिट थिकनेस तो डोंट गेट कन्फ्यूज जब आपने MDZ लिखा था तो वो करंट जो थी वो थिकनेस में पास हो रही थी अब जब आप सिंपली एम लिख रहे हो तो वो यूनिट थिकनेस में पास हो रही है है ना सो so, आपका ये ब्लॉक बन गया है इसकी वजह से हमें क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेनी है अब अगर हमारे पास करंट की वैल्यू है, है ना और आपके पास Uh, हाँ तो जो करंट डेंसिटी है करंट डेंसिटी जो है वो हमारे पास कितनी आएगी एम एम पर मीटर ये जो हमने करंट पर यूनिट थिकनेस बोला है उसे हम यहाँ पर करंट डेंसिटी कह रहे हैं ठीक है तो हमारे पास जे एस जेएस एम पियर पर मीटर जो है उस करंट डेंसिटी के करंट डेंसिटी का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि करंट पर यूनिट एरिया है ना डिपेंड करता है आपके पास सरफेस करंट डेंसिटी है वॉल्यूम करंट डेंसिटी है या क्या है ना उस हिसाब से हमारे पास सर हाँ ये ये एक और चीज हमारे पास प्रॉब्लम समझ में कई लोगों को आती है कि सरफेस करंट है तो पर यूनिट एरिया क्यों नहीं किया देखो जब आपके पास आ, मान लीजिए मेरे पास ये सिलेंडर है है ना करंट यहाँ से एंटर करती है तो करंट इस एरिया से करेगी ना एंटर तो एरिया से कर रही है लेकिन फ्लो किसके अंदर हो रही है वॉल्यूम में फ्लो हो रही है तो यहां जो करंट डेंसिटी की आप बात करते हो ना दैट इज वॉल्यूम करंट डेंसिटी वॉल्यूम करंट डेंसिटी लेकिन क्योंकि ये क्रॉस करके किसको बाहर आती है एरिया को क्रॉस करती है इसलिए इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए और अभी हमारे पास कंडीशन क्या है अभी हमारे पास करंट जो मिल रही है पर यूनिट थिकनेस मिल रही है तो अब हमारे केस में क्या आएगा सरफेस करंट डेंसिटी क्यों क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि वो सरफेस पे फ्लो हो रही है वो वॉल्यूम में नहीं हो रही ऊपर वाली करंट वॉल्यूम में फ्लो हो रही है और एरिया को क्रॉस करके निकल रही है अब आपकी केवल सरफेस पे फ्लो हो रही है अंदर तो नहीं है ना अंदर तो करंट जीरो है तो केवल सरफेस सरफेस से पास हो रही है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं सरफेस करंट डेंसिटी और उसका फॉर्मूला आई अपॉन सिंपल लेंथ आएगा आई अपॉन एरिया जब आता है तो वो वॉल्यूम करंट डेंसिटी होती है ठीक है वॉल्यूम के अंदर एरिया से डिवाइड करते हैं और एरिया के अंदर लेंथ से डिवाइड करते हैं सो डोंट गेट कंफ्यूज है ना सो so, हमारा ये यहाँ पे आ चुका है क्स्ट टाइम मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द मटीरियल अब हाँ सो so, मतलब लास्ट में यही कहना चाहता है कि आपको जो मटीरियल मैग्नेटाइज करके दिया है अगर उसके बाहर फील्ड निकालना है तो उसको रिप्लेस कर लीजिए ऐसे करंट कैरिंग लूप से जिसमें इस सरफेस करंट ये वाली सर्फेस करंट फ्लो हो रही है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए जो कि हमें नहीं निकालना है इनसाइड द मैग्नेटिक मटीरियल के लिए हम क्या करेंगे मेटर इज मेडअप ऑफ एटम देयर फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द मैटर चेंजेस एट द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यूर छोड़िए छोड़िए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ मतलब पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो मेन हमारा डेरीवेशन जो शुरू होता है वही से देख लीजिए कुछ नहीं करना है आपको बस यहां ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है किसी भी क्लोज सर्फेस से मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है मान मान लीजिए हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ होगा शायद हाँ ये हमारा मैटर है देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप ये हमारा ओरिजिनल मैटर था जिसको हमने मैग्नेटाइज कर दिया है और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तो तरीका हम देख चुके हैं अंदर निकालते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस मैटर को दो एरिया में से बांटना है मतलब आ, हमारे पास हमने एक क्लोज सरफेस लिया है ठीक है क्लोज सरफेस लिया है अः क्लोज सरफेस का मतलब समझ समझ में आ गया होगा कि आपको कि अंदर वॉल्यूम होगा केवल बाहर बाहर एरिया लिया है तो एस जो है वो ये क्लोज सरफेस है जिसको मैंने ब्लू किया हुआ है, जिसका कुछ हिस्सा उ, उ, उसके बाहर है और कुछ हमारे मैटर के अंदर से होकर जा रहा है और इस पूरे एस के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है बी डॉट डी एक्वल टू जीरो करेक्ट ये हमने लगाया। अब हमने क्या किया है कि इस एस को इस एस को दो हिस्सों में तोड़ दिया इस सरफेस का जितना हिस्सा हमारे मैटर के अंदर आ रहा है उतने पार्ट को हमने बोल दिया एस वन और जितना हिस्सा हमारे मैटर के बाहर जा रहा है उसको हमने बोल दिया एस टू सो दिस एस इज बेसिकली एस वन प्लस एस टू जिसमें से इसका एस वन हिस्सा जो है हमारा अंदर है और एस टू हिस्सा हमारा है आउट है तो इसको ए डॉट डी ए को अगर हम तोड़ते हैं दो पार्ट में दो पार्ट में इसको तोड़ देते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा यही एस वन बी डॉट डी ए और एस टू बी डॉट डी ए होना चाहिए जीरो लेकिन क्योंकि एस वन हिस्सा अंदर है तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे हम बी इन साइड से रिप्रेजेंट करेंगे और एस टू हिस्सा क्योंकि हमारे मैटर के बाहर है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी आउट तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बी आउट से इन जनरल फॉर्मूला कितना था बी डॉट डी एक्वल टू जीरो और ये एस था जब तक मैंने एस लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे क्लोज वाला साइन बनाया है अब एस वन पे क्लोज वाला साइन नहीं बनेगा यहाँ पे जस्ट अ मिनट एस वन पे हमारे पास यहाँ पे क्लोज वाला ऐसा नहीं बनेगा और एस टू पर भी नहीं बनेगा करेक्ट अब यहां से हम क्या करेंगे जीरो हो जाएगा तो एस वन बी इन साइड इज इक्वल टू माइनस का बी नॉट इक्वेशन नंबर सिक्स तक तो आपको क्लियर हो चुका है ओके नाउ दैट इज द फ्लक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड इन साइड बी इन क्रॉसिंग द सर्फेस एस वन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फ्लक्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट इमर्जिंग आउट ऑफ द पार्ट एस टू कुछ नहीं बोल रहा है इतना बोल रहा है कि इसका मतलब जो आ, म, फ्लक्स बाहर निकलेगा कितने हिस्से से एस टू से निकलने वाला फ्लक्स जो है वो उतना ही है जितना एस वन से एंटर कर रहा है जितना s1 से एंटर कर रहा है तो आप यहाँ पर भी समझ जाइए कि ये देखो s1 से एंटर करने वाला जितना फ्लक्स होगा वही सारा का सारा s2 से बाहर निकलेगा फिलहाल तो हमने सिर्फ इतना किया है अब हमें क्या करना है इमेजिन अ होलो सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ सेम शेप एज़ दैट ऑफ मैग्नेटाइज्ड मैटर है ना इन व्हिच अ सर्कुलर सरफेस चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शायद जस्ट अ मिनट हाँ। कुछ नहीं कर रहे हैं पिछले वाले कंसेप्ट का यूज किया है कि सपोज हमने यहाँ पर ये ओरिजिनल मैटर लिया था हम इसको रिप्लेस करते हैं सेम टू सेम उसी शेप के मैटर से लेकिन इसमें दिया हुआ है हमें एम और हमने अभी अभी देखा था कि जब ऊपर की तरफ एम दिया होता है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे मैटर से जिसमें साइड साइड से करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ तो एम है करेक्ट और यहाँ पे सेम टू सेम रखते हुए हमने इसमें करंट फ्लो करवा दी और वो करंट इस डायरेक्शन में करेक्ट और अगर वो करंट इस डायरेक्शन में है और तब मान लीजिए हमारा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है बी प्राइम और बाहर तो हमने देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको ये हमारा सिलेंड्रिकल था इसकी वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड थी बी जीरो और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी इन अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे मैग्नेटिक मैग्नेटेशन था इधर और अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया है इससे जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई जिसकी वैल्यू आ रही है एम ठीक है इसकी वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो बी नोट ही आएगी क्यों जस्ट अभी अभी हमने प्रूव किया है कि एक्सटर्नल पॉइंट पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम होगी अभी थोड़ी देर अभी जस्ट अभी यही प्रूव किया है इन वाला हमने प्रूव नहीं किया इसलिए इन में हम क्या करेंगे इसको बी इन पे प्राइम लगा देते हैं इनसाइड हमने यहाँ बी इन लिया है यहाँ बी इन प्राइम लिया है आउटसाइड हमने दोनों का सेम प्रूफ कर दिया है इसलिए हम सेम ले लेंगे अब इस पे हम लगाते हैं बी डॉट डी ए अराउंड टू जीरो हम लगाते हैं बी डॉट डी ए अराउंड द एस इक्वल टू जीरो यहां से हमें एस वन एस टू मिलेगा एस वन पे हमारा है बी इन डॉट डी ए प्लस एस टू पे हमारा है बी आउट डॉट डी इक्वल टू जीरो और यहाँ से वाले के लिए लगाएंगे तो इसके अंदर अलग है मैग्नेटिक फील्ड तो बी इन प्राइम डॉट डी आ जाएगा हमारा एस वन पे लेकिन आउटसाइड पे हमारा सेम है एस टू पे हमारा सेम है तो बी डॉट इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे या माइनस कर लो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू वन माइनस टू करो तो एस टू वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर आ जाएंगे और जब ये बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि बी इन प्राइम डॉट डी ए इज इक्वल टू बी इन डॉट डी ए जिससे आपको क्या पता चलता है B इन is equals to B इन प्राइम यानी कि दोनों की वजह से अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी तो ये देखिए इक्वेशन नंबर नाइन ओके हिंदी में देख लेते हैं ये हमारा था डेफिनेशन ये उसको हमने रिप्लेस करते गए काटते गए इसको बता दिया हमने इस तरह से फिर हमने करंट फ्लो करवाई फिर करंट से वापस उनको बनाते गए फाइनली ये बन गया आई का भी क्लियर आ गया है इन साइड द मैटर में अभी अभी हमने किया है इन साइड द मैटर वाला पार्ट हमने अभी भी किया है इस तरह से ये डायग्राम बनाए हैं दोनों एक एम को लेके एक उसके इक्विवेलेंट आई इक्वल टू एम को लेके इक्वेशन फाइव और सिक्स लगाया उसके बाद ये मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है थोड़ी आप देख लीजिएगा तो बी इन इक्वल टू बी इन प्राइम ये था सबसे पहले हमने लिखा यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड यूनिफॉर्मली में हमने बाहर और अंदर किया अब नॉन यूनिफॉर्मली करते हैं यानी कि जिसमें जो जो है m जो है कैपिटल वो हर जगह सेम नहीं है अगर वो एम हर जगह सेम नहीं है इसका मतलब different, different, x, y, z डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई जेड पे एम की वैल्यू डिफरेंट होगी इसका मतलब एम जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया ठीक है अब देखिए सपोज हमने यहां पर हाँ अब एम को एक्स डायरेक्शन में भी चेंज होता हुआ मानना है वाई में भी मानना है जेड में मानना है लेकिन एक साथ तीनों में नहीं मानेंगे नहीं तो कैलकुलेशन uh, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो हमारे कन्वीनियंस के लिए फिलहाल हम मान लेते हैं कि जो कैपिटल एम है जैसे जैसे हम जेड डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है ठीक है तो मान लीजिए केवल जेड डायरेक्शन में बढ़ता हुआ मानना है सपोज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि कैपिटल एम इज अलोंग जेड यानी एम जो है वो हमारा एक्स और वाई में है ही नहीं एम हमारा केवल किस डायरेक्शन में है जेड में मान लीजिए एम जेड लेना है लेकिन इसकी जो वैल्यू है एंड इट्स वैल्यू इनक्रीजेज इन वाई डायरेक्शन और इसकी जो वैल्यू है वो वाई डायरेक्शन में जाने से बढ़ती जा रही है बड़ी समस्या है इसको समझना यानी एम जो है वो खुद तो जेड डायरेक्शन में है तो ये देखिए जेड डायरेक्शन में है तो एम जेड तो जेड में है और इधर आपका वाई डायरेक्शन है तो जैसे जैसे हम वाई में आए तो y में थोड़ी सी दूर ट्रेवल की यहां पर वैल्यू कितनी हो गई mz प्लस डेल्टा mz यहाँ पर कितनी हो गई mz प्लस टू डेल्टा mz यहाँ पर कितनी हो गई एम जेड प्लस थ्री डेल्टा एमजेड यानी जैसे जैसे y डायरेक्शन में हम जा रहे हैं y डायरेक्शन में जा रहे हैं एम जेड की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो मैग्नेटाइजेशन का कंपोनेंट तो है z डायरेक्शन में पर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है वाई डायरेक्शन में जाने से ओके आई होप इट इज क्लियर और किन्नी भी दो सेक्शन के बीच की दूरी यानी यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वो वाई डायरेक्शन में कितनी है डेल्टा वाई यानी कि एमजेड जो था सपोज किसी एक पॉइंट पे एम की वैल्यू है जैसे ही हमने डेल्टा वाई दूरी तय कर ली इसकी वैल्यू डेल्टा वाई दूरी तय करते ही कितनी हो जाएगी एमजेड प्लस डेल्टा एमजेड इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना डेल्टा वाई दूरी में जो चेंज आया है वो कितने का आया है डेल्टा एमजेड डेल्टा वाई दूरी में इतना आएगा तो यूनिट डिस्टेंस में कितना आएगा डेल्टा एमजेड अपॉन डेल्टा वाई चलिए द मटीरियल कैन बी कंसिडर टू बी मेड ऑफ इंफानाइट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स छोटे छोटे हमने ब्लॉक काट दिए हैं ठीक है द वॉल्यूम ऑफ ईच एलिमेंट हर एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड है एंड आर placed अलोंग वाई axis ये देखो कैसे समझाना है ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया ना आपने ये इसकी एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है वो तो है डेल्टा एक्स वाई डायरेक्शन में जो इसकी हाइट है वो है डेल्टा जेड और एक्स वाई डायरेक्शन में ले लिया डेल्टा वाई तो इसका जो वॉल्यूम है हर एलिमेंट का वो कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड ओके नाउ इफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन एनी सेक्शन किसी भी एक सेक्शन में वैल्यू है एम से जस्ट तो उसके पास वाले सेक्शन में जो कि उससे कितनी दूरी पर है डेल्टा वाई दूरी पर है वो उसमें इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए आपके पास इतनी होनी चाहिए अब ये कैसे आया एक बात बताइए अगर डेल्टा वाई दूरी ट्रेवल करने से एमजेड में परिवर्तन होता है डेल्टा एमजेड तो यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने से परिवर्तन कितने का होगा डेल्टा एमजेड अपॉन डेल्टा वाई और अगर डेल्टा वाई दूरी परिवर्तन तय करने से कितना होगा डेल्टा एम जेड डेल्टा वाई इन डेल्टा वाई ये चेंज होगा कब जब आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे जिनके बीच की दूरी कितनी है डेल्टा वाई है और यहां पर वैल्यू अगर एम जेड है यहां तक आते आते चेंज कितने का हो जाएगा इतने का चेंज हो जाएगा तो इस पॉइंट तक जहा पह पहुंचोगे कौन से पॉइंट पर क्यू पॉइंट पर पहुंचोगे तो क्यू पॉइंट पर टोटल मैग्नेटेशन कितना होगा तो पहले का था अब जैसे जैसे आप वाई में ट्रेवल कर रहे हो इंक्रीज होता जा रहा है तो इंक्रीमेंट को एड कर दीजिए ओरिजिनल कितना था और इंक्रीमेंट कितना का हुआ उसको एड कर दीजिए ये टोटल हमारे पास क्यू पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन होगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है ये देखिए mz प्लस डेल्टा mz अपॉन डेल्टा y डेल्ट y हियर दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y वाई ठीक है सिमिलरली सक्सेसिव सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन पे कितना होगा ये डबल हो जाएगा उससे अगले सेक्शन पे कितना होगा ट्रिपल हो जाएगा क्योंकि दूरी कितनी है टू डेल्टा वाई दूरी कितनी हो जाएगी थ्री डेल्टा वाई नाउ सो वी सी भी दो बैक टू बैक के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितने का हो रहा है डिफरेंस कितने का आ रहा है ये रहा डिफरेंस ये रहा डिफरेंस और हमने क्या माना था हमने बोला था कि पहले वाले में एमजेड है दूसरे वाले में MZ plus delta MZ है, तीसरे वाले में में है, है, है तीसरे जबकि हमें यहां पे मिला इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल होनी चाहिए करेक्ट तो वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर इलेवन में इक्वल बता दिया गया ओके okay? अब हमें क्या करना है हम इस हर मैग्नेटाइज सेक्शन को इक्विवेलेंट करंट रिबन से रिप्लेस कर सकते हैं जो हम अब हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में किया है करंट रिबन से जब रिप्लेस करेंगे तो हमें करंट फ्लो करवानी पड़ेगी और हमने ये देखा था हमने ये देखा था थोड़ी देर पहले ध्यान रखना कि जब इसकी हाइट डी जेड थी जब इसकी हाइट डी जेड थी तो इसके अंदर से जो हमने करंट फ्लो करवाई थी उस करंट की वैल्यू कितनी थी एम डी जेड अब हमारा जो सेक्शन आ रहा है हमारा जो सेक्शन आ रहा है उसकी हाइट कितनी है उसकी हाइट है डेल्टा जेड तो हमें करंट कितनी फ्लो करवानी पड़ेगी एम इंटू डेल्टा जेड और एम हमारा कौन सी दिशा में है जेड में तो एम की जगह क्या लिखना पड़ेगा एम जेड तो हमें जो करंट फ्लो करवानी पड़ेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी एम जेड डेल्टा जेड तो ये देखो आई इज इक्वल टू एम जेड डेल्टा जेड सेकेंड वाले में हमें करंट फ्लो करवानी पड़ेगी आई प्लस डेल्टा ही ज्यादा करंट फ्लो करवानी पड़ेगी क्यों क्योंकि वहां पर एम की वैल्यू अब एम की थिकनेस तो उसकी भी जेड है सबकी थिकनेस जेड ध्यान रखना देखो डेल्टा जेड है और यहाँ पर डेल्टा जेड ले रहे हैं सब में थिकनेस डेल्टा जेड है लेकिन सब में एम की वैल्यू चेंज होती जा रही है पहले सेक्शन में आपने लिया है एम जेड दूसरे वाले सेक्शन में एम की जगह कितना आ जाएगा एम जेड प्लस डेल्टा एम जेड और तीसरे वाले में कितना आ जाएगा एम जेड प्लस टू डेल्टा एम जेड आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको क्योंकि आई की जगह रखना है आ, बेसिकली बता देती हूँ आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो थो ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में करना पड़ता है ये फॉर्मूला था ये फर्स्ट सेक्शन में था हमारा जब हम सेकंड सेक्शन में आ जाएंगे तो उसमें जो करंट हो जाएगी वो एम की जगह कितना आ जाएगा एम जेड प्लस डेल्टा एम जेड था उसमें और हाइट उसकी भी कितनी है डेल्टा जेड थर्ड सेक्शन में कितना हो जाएगा थर्ड सेक्शन में हो जाएगा एम जेड प्लस टू डेल्टा एम जेड और हाइट उसकी भी कितनी है डेल्टा जेड जाहिर सी बात दिख रहा है कि ये करंट आई है तो सेकेंड वाले में ज्यादा ही मिल रही है अगर ज्यादा मिल रही है तो इसे हम बोलेंगे आई प्लस डेल्टा आई और थर्ड वाले हम बोलेंगे आई प्लस टू डेल्टा आई आई होप दैट इस क्लियर बस वो यहाँ पे लिखा हुआ है तो दो कंटिन्यूअस जो सेक्शन आ रहे हैं उनमें करंट का डिफरेंस कितना आ रहा है करंट अब देखो ये इसका वो कर रखा है ट्रांसपेरेंट व्यू है पहले वाले सेक्शन में हमारे पास करंट ही आ रही है सेकेंड वाले में ये आ रही है थर्ड वाले में ये आ रही है और फोर्थ वाले में ये आ रही है और ये सारी कलर हमें एंटी क्लॉकवाइज है अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझना है ना आपकी करण जो थी इस सेक्शन में इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई और फिर इधर आ गई ठीक है दूसरे वाले में आई प्लस डेल्टा वाई इधर गई इधर गई, इधर गई और इधर गई और फिर इधर आ गई अब ये वाली जो बाउंड्री है वाली जो बाउंड्री है वो आपके पहले वाले सेक्शन और दूसरे वाले सेक्शन में कॉमन है लेकिन पहले वाले सेक्शन की वजह से इसमें पीछे की तरफ करंट जा रही थी आई लेकिन दूसरे वाले सेक्शन की वजह से सामने की तरफ करंट आ रही है आई प्लस डेल्टा आई तो एज इट इज करंट तो कैंसल आउट नहीं होगी है ना अंदर की तरफ जाने वाली आई जो कि माइनस एक्स की तरफ जा रही है और प्लस एक्स की तरफ आ रही है आई प्लस डेल्टा आई तो आई और आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा नेट करंट कितनी मिलेगी आपको डेल्टा आई करंट मिलेगी और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी प्लस एक्स दिशा में होगी अब दूसरे और तीसरे में देखो दूसरे वाले की और तीसरे वाले कॉमन बाउंड्री है इसमें पीछे की तरफ जा रही है आई प्लस डेल्टा आई और तीसरे सेक्शन से अंदर की तरफ प्लस एक्स की तरफ आ रही है आई प्लस टू डेल्टा आई अगेन इन दोनों में कैंसिल आउट करो रिजल्टेंट कितना आ रहा है डेल्टा आई और वो डेल्टा आई की डायरेक्शन कौन सी होगी बाहर की तरफ तो पहले सेक्शन दूसरे सेक्शन और तीसरे सेक्शन पूरे सेक्शन से पूरे सेक्शन से यहां से भी डेल्टा आई आ रही है यहां से भी डेल्टा आई यहां से भी डेल्टा आई यहां से भी डेल्टा आई तो ओवरऑल पूरे मटेरियल से आपको कौन सी करंट मिल रही है डेल्टा आई करंट मिल रही है तो अब देखिए ये देखिए ये, ये डायग्राम देखिए सारे पूरे करंट पूरे सेक्शन से पूरे मटेरियल से आपको डेल्टा आई करंट मिल रही है ये डेल्टा आई जो है वो कौन से या कितने एरिया को क्रॉस करके बाहर आ रही है ये समझना जरूरी है हमारे पास अगर मैं यहां पर एक ही सेक्शन लेती मान लीजिए ये देखिए एक सेक्शन है एक सेक्शन ये रहा बन गया तो ये जो डेल्टा आई है वो किस दिशा में आ रही है प्लस एक्स दिशा में तो कितने एरिया को क्रॉस करके आ रही है इस पूरे एरिया से बाहर निकल रही है ये इस एरिया से बाहर निकल रही है और ये एरिया जो है इसका एरिया कितना होगा दिस एरिया इज नथिंग बट डेल्टा वाई डेल्टा जेड मैंने आपको वॉल्यूम करंट डेंसिटी में अभी भी बताया था कि एक सिलेंडर अगर ऐसे रखा हुआ है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है मान लीजिए आई तो वो करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे कितने एरिया को क्रॉस करके आई तो क्रॉस करने वाला एरिया कितना है मान लीजिए ए है जिसे हम पाई पाईआर स्क्वायर भी ले सकते हैं तो करंट डेंसिटी क्या होती है आई अपॉन पाई पाईआर स्क्वायर अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है अब हमारे पास सिचुएशन ये आ रही है कि इस एरिया को क्रॉस करके करंट एक्स डायरेक्शन में आ रही है और ये एरिया कितना है डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी करंट अपॉन एरिया डेल्टा वाई डेल्टा जेड कितने एरिया को क्रॉस करके आती है तो यहाँ पर देखिए जे करंट डेंसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी डेल्टा आई और किसको क्रॉस करके आ रही है इसको क्रॉस करके आ रही है डेल्टा आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं डेल्टा आई की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे ये देखिए डेल्टा आई हमारा कितना था डेल्टा आई हमारा था डेल्टा एम जेड इंटू डेल्टा जेड कैसे आया ये यहां पर देख लो ये रहा डेल्टा आई तो डेल्टा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको अंदर मल्टीप्लाई करो इन दोनों को तो डेल्टा ई कितना आ रहा है डेल्टा एम जेड डेल्टा जेड तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा आई टू डेल्टा एमजेड डेल्टा जेड और डेल्टा एमजेड की वैल्यू कितनी थी ये थी ये डेल्टा एमजेड था और ये हो गया डेल्टा जेड ठीक है तो डेल्टा आई की वैल्यू निकली इक्वेशन क्वेश्चन से ये डेल्टा आई की वैल्यू कहां रखनी है यहां पर रखनी है ये डेल्टा आई की वैल्यू आपको रखनी है यहां पे और नीचे डिवाइड किससे करना है डेल्टा वाई डेल्टा जेड से तो ये आपके पास आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा आपको जे एक्स की वैल्यू मिल रही है जे एक्स की वो लामने क्योंकि ये जो करंट आ रही है वो एक्स डायरेक्शन में आ रही है ठीक है ये हमें मिल रहा है डेल्टा एम जेड अपॉन डेल्टा वाई ओके सिमिलरली ये हमने लिया था कि एम जो है उसका कंपोनेंट जेड है अगर मान लीजिए हमारा कंपोनेंट है एम जेड का और चेंज हो रहा है वाई डायरेक्शन में जाने से अगर हम उल्टा लेते यानी कि एम का कंपोनेंट होता वाई में और जेड डायरेक्शन में चेंज लेते तो हमें सेम डेल्टा आई की वैल्यू मिलती माइनस एक्स डायरेक्शन में और वो वैल्यू होती ये ध्यान रखिएगा वो वैल्यू आपको अब ये कैसे आया ये आपकी इच्छा है तो करो नहीं तो देख लेना तो जे एक्स आपको मिलता अगर आप एम वाई कंपोनेंट लेते और जेड डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में उसमें चेंज लेते तो हमें जे एक्स मिलता ये नेगेटिव में तो अगर हमारे पास वहां पर एम वाई कंपोनेंट भी मौजूद है और एम जेड कंपोनेंट भी है दोनों कंपोनेंट है तो हमें प्लस एक्स में भी कुछ पार्ट मिलेगा और माइनस एक्स में भी मिलेगा तो नेट एक्स डायरेक्शन में कितना मिलेगा नेट करंट डेंसिटी डायरेक्शन में कितनी मिलेगी पहले वाली को और दूसरे वाली को को और दूसरी माइनस कर दो टोटल ले लो तो हमारे पास यहाँ पर ये यह आ जाता है इसे आप क्या लिख सकते हो यू कैन राइट इज डेल्टा क्रॉस एम और उसका एक्स कंपोनेंट क्योंकि डेल्टा क्रॉस एम का एक्स कंपोनेंट कैसे लिखा ये देखिए अगर मुझे डेल्टा क्रॉस एम निकालना होता तो अपन क्या करते आई डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड और एम के तीन कंपोनेंट है एम एक्स एम वाई और एम जेड तो इसको ओपन करेंगे तो आईकेफ के साथ क्या आएगा काट दो इसको और इसको ये इस पे जाएगा तो डेल्टा एम जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस ये इस पे चला जाएगा डेल्टा एम वाई अपॉन डेल्टा जेड और कैप का जो कोफिश होता है वो एक्स होता है इसलिए ये डेल्टा क्रॉस एम का कौन सा कॉम्पाउंड माना जाएगा एक्स कम्पाउंड माना जाएगा जो कि आपको यहां मिला इक्वेशन फोर्टीन में तो ये हमारे पास जे एक्स हो गया अब सिमिलरली सिमिलरली आपको अगर जेवाई निकालेंगे तो ये मिलेगा ठीक है और जे जेड निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा तो जे के अंदर अगर हमें टोटल तीनों कंपोनेंट ऐड करने हैं तो आई एफ के साथ जेएक्स को लिख दो जेकेफ के साथ वाई को लिख दो के एफ के साथ जेड को लिख दो तो ये आ जाएगा हमारे पास तो इन जनरल हम जेएम को क्या लिख सकते हैं डेल क्रॉस एम एम क्यू लगाया यहाँ पे क्योंकि ये जो हमें करंट डेंसिटी मिल रही है वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से मिल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू तो अ करंट डेंसिटी जेएम

चलिए इसमें देख लेते हैं हिंदी वालों को लिए ये एम है ये पहला डायग्राम इसको थोड़ी पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा ये दूसरा डायग्राम इसमें इन्होंने एरो अंदर की तरफ बनाया बाहर की तरफ आएगा ठीक है चलिए तो JX एक्स मिल गया हाँ ये आ गया ना जे एक्स सही है ये जे एक्स आ जाएगा टोटल ये जे वाई ये जे जेड तीनों को टोटल कर दिया और ये आ चुका है अब देखिए मैग्नेटाइजेशन करंट प्री करंट एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसमें दो तरह की धाराएं होती है ध्यान रखना एक तरह की करंट जो हम कन्वेंशनल करंट होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है जो हमारे घरों में करंट आ रही है तो वे धाराएं जो फ्री इलेक्ट्रॉन की गति के कारण आती है ठीक है और ये हमेशा वायर में फ्लो होती है इनको वायर चाहिए ही चाहिए है ना इन्हें कभी भी स्विच ऑफ या स्विच ऑन किया जा सकता है और इन्हें अमीटर के द्वारा मापा भी जा सकता है इन्हें हम फ्री करंट या फिर कंडक्शन करंट कहते हैं दो करंट विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आर कैरीड बाय वायर्स देयर फ्लो कैन बी स्विच्ड ऑफ एंड ऑन एंड मेजर ऑफ बाई मीन ऑफ एनिटर दीज आर टर्म फ्री करंट और कंडक्शन करंट ओके एम्पियर ने हमें बताया था एम्पियर के लॉ से हम जानते हैं कि फ्री करंट डेंसिटी अगर जे एफ है और उससे मैग्नेटिक फील्ड बी एफ आया है तो डेल क्रॉस बी कितना होता है, और जे होता है तो हमने फ्री करंट के लिए ये रूल लिख दिया सेकेंड वाली करंट कौन सी होती है सेकेंड करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने से आती है तो कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल मोशन से आती है राइट और ये सर्कुलेटरी होती है क्योंकि ये सर्कल में है ना इसलिए सर्कुलेटरी होती है इसमें चार्ज आगे पीछे नहीं जाता है चार्ज अपने एटम को छोड़ के नहीं जाता है तो इसमें चार्ज का कंडक्शन नहीं होता है और क्योंकि ये करंट अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ बंधी हुई है तो इसे हम क्या कहते हैं बाउंड करंट कहते हैं और या फिर इसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन करंट जैसा अभी हमने देखा था जेएम

यहाँ पे सबसे पहले इस इसको इसके नीचे लेके आइए तो हमें कितना मिलेगा डेल क्रॉस बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम प्लस जे एफ इसमें भी डेल क्रॉस है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लो और डेल क्रॉस कॉमन ले लो तो कितना जाएगा बी बाई म्यू नॉट माइनस एम इज इक्वल टू कितना जाएगा जे एफ अगर मान लीजिए इस क्वांटिटी को हम रिप्लेस करें एच से तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एच तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जे हो जाएगा एच हमने क्या मानना है ये इस एच को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और हाँ क्योंकि इस फॉर्मूले को हमने लिखा है तो यहां से अगर B की वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले M को उधर लाना पड़ेगा तो H प्लस एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B अपॉन म्यूनोट और B की वैल्यू निकालोगे तो म्यूनोट से भी मल्टीप्लाई कर दो B हमें ये मिल रहा है ठीक है ये रिलेशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंग्लिश so, मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये थ्योरी हमने पढ़ी है सेकेंड वाली करंट ये यहाँ पे मैंने बता दी है आपको जे एम हम हमारे पास ये था एम्पियर का लो लिखेंगे तो ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फोर तक क्लियर है रीअरेंज किया और बी की वैल्यू निकाल ली ठीक है अब हमारे पास ये है थोड़ा सा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो एच है उसके बारे में थोड़ा सा बताना है सबसे पहले एच की जो डायमेंशन है वो एम की डायमेंशन के इक्वल होती है कारण क्योंकि एच हमारे पास कितना था बी बाई म्यूनोट माइनस एम किसी चीज में कोई चीज दूसरी चीज तभी एड या माइनस की जा सकती है जब दोनों की डायमेंशन सेम हो तो b अपॉन म्यूनोट दोनों की मिला के जो डायमेंशन आएगी वो h की इक्वल आएगी लेकिन जो m है वो डायरेक्टली इधर आएंगे तो h प्लस एम लिखेंगे यानी कि अगर एम को एच में एड किया जा रहा है इसका मतलब एम और एच की डायमेंशन सेम है तो ये डायमेंशन सेम होती है लेकिन बी की डिफरेंट है क्योंकि बी की डायमेंशन को एच के अगर इक्वल करना है तो उसमें म्यू नोट का भाग देना पड़ेगा एच की डायमेंशन आप याद रख लीजिएगा एम की डायमेंशन याद रख लीजिएगा और बी की याद रख लीजिएगा कैसा है आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग डेल क्रॉस एच को अभी अभी हमने देखा जे एफ की इक्वल था जबकि डेल क्रॉस बी जो था वो हमने देखा था कि इसके इक्वल है टोटल यानी एच जो है एच का रिलेशन फ्री करंट से है एच का फ्री करंट से उसी तरह से संबंध होता है जैसा कि बी का टोटल से होता है इधर बी था तब इधर टोटल आया था जे टोटल जबकि एच जब इधर आया तो इधर जे फ्री है तो जो बी का रिलेशन टोटल के साथ होता है वैसा ही एच का फ्री के साथ होता है एच और बी में डिफरेंस क्या है कि डेल डॉट बी का मान हमेशा जीरो होगा लेकिन डेल डॉट एच का मान जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कैसे ये देखिए एच का लेते हैं दोनों तरफ डेल करते हैं तो डेल डॉट एच आ जाएगा डेल डॉट बी आ जाएगा डेल हम जानते हैं डेल डॉट बी तो जीरो होता है तो ये टर्म अगर जीरो कर भी दिया जाए तो डेल डॉट एच की वैल्यू जीरो नहीं आई ओके नेक्स्ट हमारे पास अः ये हमें पता है डेल को होता है इसका अगर सरफेस इंटीग्रेशन लिया जाए दोनों साइड में डी ए डॉट करके तो इधर डी ए डॉट करके ले लिया इधर कर लिया ठीक है इस की कल थ्योरम तो तो और हम जानते हैं जे क्या होता है, टोटल करंट होती है।, पढ़ा रखा है बहुत बार। तो ये हमारे पास एम्पियर का लॉ भी ध्यान रखना क्योंकि एम्पियर का लॉ हमने देखा था ना एच डॉट डी एल इज इक्वल टू समय था वहां आई फ्री करंट थी ये एच के लिए एम्पियर का नियम कहलाता है ठीक है और इसके अलावा ये नहीं पढ़ना आपको वो ध्यान रख लेना फोर्थ पॉइंट आपका क्वालिटी में ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पर फ्री करंट नहीं मिलती हमें तो हमेशा एच डॉटीएल की वैल्यू जीरो आएगी ठीक है एच डॉट डी एल की वहां एच का मान जीरो होना आवश्यक नहीं होता है कैसे अब देखते हैं ये ओके okay. सपोज हमारे पास मान लीजिए हमने कोई मेटर लिया है ये कोई रोड है जिसको मैग्नेटाइज कर दिया एम से ठीक है तो इसको रिप्लेस करेंगे रिप्लेस करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे जैसा कि अभी करते हैं तो मान लीजिए हम बी को निकालने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं तो एच के लिए हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला ठीक है और मैग्नेट कैपिटल कहाँ मिलेगा इस मटेरियल के अंदर ही मिलेगा यानी बाहर तो एम की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें जीरो मिलेगी तो छड़ के बाहर तो एम इक्वल टू जीरो आता है और एम जैसे ही जीरो होता है एच की वैल्यू कितनी हो जाती है बी अपॉन म्यू म्यूनोट करेक्ट अर्थात जो छड़ है उसके बाहर बी और एच की रेखाएं समान दिखाई देती है तो यानी कि यहाँ पे क्योंकि एच इज इक्वल्स टू अब क्या आ रहा है बी अपॉन म्यू नोट तो केवल अगर म्यू नोट को हटा मतलब म्यू नोट क्या करता है केवल उसके मैग्नीट्यूड को तो चेंज करेगा बाकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा इसलिए छड़ के बाहर तो दोनों की शेप बिल्कुल सेम है देखो ये एच की लाइने है यही बी की लाइन है ये एच की लाइन है बाहर है ये एच की लाइने बाहर है ये एच की लाइने बाहर है ये बी की लाइन है बी की लाइन है बी की लेकिन अंदर देखो अंदर इसकी थोड़ी सी खुली खुली है और इसकी काफी कंजस्टेड है अंदर क्यों चेंज आ रहा है क्योंकि अंदर आपके पास बी बायूनोट में से M को माइनस करोगे तो H आएगा तो B में देखो ज्यादा लाइन है ना इसमें से कुछ क्वांटिटी आपको माइनस करोगे तो आपको H मिलेगा तो अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बस ये यही कहना चाह रहा है और कुछ नहीं कहना चाह रहा अगर तीनों वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट है तो मान लीजिए एक वेक्टर है बी बाई म्यूनोट और उसकी डायरेक्शन इधर मानी है ठीक है एक हमारे पास है एम उसकी इधर मानी है और एक एच है इधर तो इधर गए फिर उधर गए तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा यानी कि बी बायू नॉट प्लस और इसका वेक्टर कितना है माइनस का एम माइनस का एम दैट विल बी इक्वल टू एच तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है तो अगर वेक्टर लगाना है तो हम यहां पर इस तरह से बनाएंगे और हमारे पास थ्योरी में क्या बोल रहा है ये कुछ नहीं है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आप पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा डेल डॉट बी क्या होता है क्या नहीं होता है इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है एच और बी जो है वो कुछ शर्तें संतुष्ट करता है आ, दो माध्यमों को अलग करने वाले प्रश्न उधारण तो एच ये भी रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं ये बाउंड्री कंडीशन बता रहा है जो कि लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बी एच एम में कुछ रिलेशन है आपके पास ये जो अभी अभी हमने देखा था कर्ल क्या आएगा डायमेंशन क्या है डाइवर्जेंस क्या है और आपस में जो रिलेशन है वो कैसा है वैसे हमने डिटेल में पढ़ लिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वैक्यूम में क्या होगा ठीक है तो ये आपको समझ में आ ही चुका होगा मैग्नेटिक सबिलिटी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है अगर किसी पदार्थ को हम एच में रखते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेशन आएगा तो उसमें एम आ जाता है अब हमने एच में रखने से कितनी मात्रा में एम आया है ये बताने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक सबिलिटी तो जितना हम एच बढ़ाएंगे उतना ही उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा इसका मतलब एम एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए कौन से लगाते हैं काई और इस काई को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी ठीक है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है अगर एच इक्वल टू वन है तो काई इक्वल टू एम आ जाएगा यानी संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अगर एकांक मान के चुंबकन क्षेत्र यानी एच इक्वल टू वन वैल्यू के लिए कितनी प्रेरित चुंबकन तीव्रता यानी कितना इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन आया है उसे हम ससेप्टिबिलिटी से कह सकते हैं आपने देखा होगा पैरा मैग्नेट के लिए क्यूरी का लॉ फॉलो होता है तो काईज इक्वल टू सी बाईटी होता है ठीक है और जो फेरो मैग्नेट्स होते हैं उनके लिए होता है टी माइनस टी थीटा जहां पर टी थीटा क्यूरी री टेम्परेचर होता है डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम ठीक है कुछ हमारे पास ये भी होती है ये नहीं पूछा जाएगा आपको अः मास मैग्नेटिक सबिलिटी और मोलर मैग्नेटिक ठीक है ये नहीं करना है छोड़ दीजिए आप है ना सिर्फ डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए हाँ एक रिलेशन प्रूव करने आ सकता है आपके पास वो देख लीजिए अभी भी हमने देखा बी इज इक्वल्स टू कितना होता है Mu not h plus M, और M अभी हमने देखा किसके इक्वल है काई के तो M की जगह रख दिया काई एच, दोनों में से एच को कॉमन ले लीजिए कितना बन रहा है one plus काई, ठीक है ठीक अब बी इज इक्वल ये है ना ये एज इज रखा है सेम ये एज इज रखा है अपन ने बी h एच को अगर हम म्यू लेते हैं बी बाई एच को अगर, अगर अपन म्यू लेते हैं तो इस एच को इधर लेके आओ तो बी बाय कितना हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नोट वन प्लस काई और इसे हम बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं बी इज इक्वल टू मीडियम के लिए कितना होता है म्यू एच होता है तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस काई और हम जानते हैं कि म्यू कितना होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है तो इन दोनों को भी आपस में क्या होना पड़ेगा बराबर क्योंकि ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई तो हमारे पास ये रिलेशन भी एग्जाम में प्रूफ करने आ सकता है या फिर म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई भी आपको प्रूफ करने आ सकता है बस ये हमारे पास खत्म होता है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैग्थाइन एच दिखा देती हूँ थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले को ये फर्स्ट पॉइंट है आपका ये सेकेंड पॉइंट है आपका ये थर्ड पॉइंट है आपका पढ़ी लिया था अपन ने ये मैंने लाइन से बताया था आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ ये ट्राइंगल बना के बताया था आपको ये, B, B, B है भाई। B है इदर। ये कुछ पॉइंट्स मैंने कहा था स्किप कर दो क्योंकि कोई मतलब नहीं है वो बाउंड्री कंडीशन है और ये टेबल अब आपको खुद को एवरीवन so ये हमारा चैप्टर सिक्स कंप्लीट